Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hello and welcome to testbook.com. So everyone, very good morning. Good morning Ishani, Sachin, Pankaj Kumar ji, very good morning. Ravi Kumar, very good morning guys. Everyone, good morning. So ek bahut achhi morning ke saath aaj hum log fir se ikatthe hue hain bhai ki aapke RRB group D ka jo analysis hum karate hain uske basis par आपको एक पैटर्न दिया जा सके, आपको कुछ क्वेश्चंस बताए जा सके ताकि आप अपने पेपर में काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट कर पाओ. उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि टेस्टबुक ने बेसिकली 50 लाख यूज़र्स को अटैम्प्ट किया, या कहिए 50 लाख यूज़र इस समय टेस्टबुक पर हैं. और इसी की खुशी में टेस्टबुक आपके लिए लेकर आया है जो ईयरली पास होता है उस पर 50% ऑफ. ओके, तो जब भी मिंत्रा वगैरह पर सेल होती है तो हम हमेशा ईगर होते हैं, तो पढ़ने के लिए एक सेल आपको मिल रही है, ये बहुत बड़ी बात है. तो 50% ऑफ पर आपको एक ईयरली पास मिलेगा. क्या होगा उस ईयरली पास में? तो उस ईयरली पास के अंदर जितने भी जो एग्ज़ाम्स आपके होते उनकी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी. एक साल तक फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है. ओके, आपकी 28 सितंबर से ये सेल स्टार्ट होगी. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने लिए, अपनी पढ़ाई, अपनी टेस्ट सीरीज के लिए कुछ अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा आउटपुट देता है. ठीक है, मेक श्योर हमेशा अपनी कुछ परसेंटेज जो भी पॉकेट मनी मिलती है, जो भी सैलरी मिलती है, उसका कुछ परसेंटेज बुक्स, टेस्ट सीरीज वगैरह पे खर्च करके देखिए, आपको पक्का आउटपुट मिलेगा. तो उसी चीज़ के लिए ये 50% सेल आपके लिए रखी गई है, जो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि 50 लाख यूजर्स टेस्टबुक पर है. ठीक है, तो इन्हीं यूजर्स को बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए सेल का लाभ उठाइए. ठीक है, और चलिए तो बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट अपने क्वेश्चंस की तरफ शुरू करते हैं, या क्वेश्चंस का सेशन को. ओके, अमोल जी ले चुके हैं, वेरी गुड अमोल जी, तो आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा होगा. ओके, सो गाइज बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आज के सेशन में इंपॉर्टेंट है. देखिएगा, अगर टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप testbook.com पे बेसिकली मेल कर सकते हैं, या मेरी भी मेल आईडी आपको नीचे मिल जाएगी, तो वहां पर भी आप मुझे मेल कर सकते हो, तो आपकी रिकमेंडेशन आगे पहुंचा दी जाएगी. ठीक है, चलिए सो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पाचन तंत्र के निम्नलिखित एंजाइम स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है. क्योंकि कल डाइजेस्टिव एंजाइम से क्वेश्चन आया था, है ना, उन्होंने एक पर्टिकुलर एंजाइम का क्वेश्चन दिया था, इसीलिए आज इस क्वेश्चन को रखा है मैंने कि पाचन तंत्र के यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के आपका कौन सा एक एंजाइम होता है जो ग्लूकोज को बेसिकली परिवर्तित कर देता है स्टार्च में. चलिए आंसर करिएगा, देखते हैं कितने लोग आंसर कर रहे हैं इस क्वेश्चन का. ओके, गुड्डू जी डी कह रहे हैं, पतंजलि जी ने भी कुछ कहा है. ठीक है, ओके, सेकंड ऑप्शन सबका आ रहा है, लार एमाइलेज और पेप्सिन का भी ऑप्शन आ रहा है, वेरी गुड. ठीक है, राहुल जी कह रहे थे पेप्सिन, स्लाइवा भी किसी ने आंसर किया है. ठीक है, वेरी गुड. ठीक है, सो बताते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. चलिए तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आंसर है लार एमाइलेज. ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आपकी बेसिकली जो एंजाइम होता है लार एमाइलेज जो होता है, ये स्टार्च को परिवर्तित यानी कि कन्वर्ट करता है, या सॉरी ग्लूकोज को परिवर्तित या कन्वर्ट करता है आपके किसमें, स्टार्च में. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा लार एमाइलेज. चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर. And the next question is, दो पक्का, सेकंड पक्का, साधना जी कह रही है सेकंड पक्का, बिल्कुल साधना जी एकदम पक्का है और सही है आपका आंसर.
सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है यानी कि आपकी जो दीप तीव्रता है उस दीप तीव्रता की मानक इकाई उसकी यूनिट क्या है, कैंडला वॉट कैल्विन निम्न में से कोई नहीं। चलिए वेरी गुड, सही है आंसर, ठीक है। ओम प्रकाश, संदीप, पारुल, सचिन, हिमांशु, दुर्गेश जी, मधु, अमित, ओम कुमार, अमोल, वेरी गुड, सही है गाइस। फर्स्ट ऑप्शन आप टेक कर रहे हैं और फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही भी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर वैसे तो देने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आपकी जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है उसकी जो मानक इकाई है उसका आंसर कैंडेला है। आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है, एंड द फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क यानी कि दूध के पास्चुरीकरण में कितना तापमान आवश्यक होता है। चलिए आंसर करिएगा, यह बहुत कॉमन क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन ऑप्शन देख लेना, फ़ारेनहाइट में आपको ऑप्शंस दिए हैं गाइस। वन ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट कह रहे हो यानी कि, है ना, ठीक है। और लोग आंसर दे रहे हैं, अभी देने देते हैं जरा उनको आंसर, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो बता दें कि आपके पास्चुराइजेशन का जो प्रोसेस है उसमें दूध को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर गर्म करके सडनली उसको ठंडा करने का जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है आपका पास्चुरीकरण या पास्चुराइजेशन। इस प्रोसेस के वजह से उसमें जो बैक्टीरिया या दूध में जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं, उनको किल करने का प्रोसेस भी ये कहलाता है, जिससे दूध को स्टोर करने का जो डेज है वो थोड़े से लंबे हो जाते हैं या उसको काफी दिन तक हम स्टोर कर सकते हैं। तो दूध के पास्चुराइजेशन के लिए कितना तापमान आवश्यक है, ये क्वेश्चन था आपका, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, ठीक है। अभी एक काम करोगे, कॉपी उठाओ या पेन उठाओ अपना और लिखो कि पास्चुराइजेशन के बेसिकली दो मेथड होते हैं, ठीक है, आई रिपीट, पास्चुराइजेशन के दो मेथड होते हैं, एक होता है LTLT मेथड और एक होता है आपका HTST मेथड। जो आपका बेसिकली एक मेथड है उसमें जो टेम्परेचर होता है वो होता है आपका 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट। एक या तो आप इस प्रोसेस से दूध को गर्म करके पास्चुराइज कर लो, एक जो अभी आपने जिस चीज का आंसर दिया था उसमें बेसिकली एक इसी में आता है आपका वो फ़ारेनहाइट, और एक जो दूसरा है उसमें आपका 71 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 50 सेकेंड। केवल ये दो मेथड के थ्रू आप मिल्क का पास्चुराइजेशन का प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। सूरज कुमार बिल्कुल सही है, ओके गाइस, ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो और नोट करने के बाद अपनी कॉपी में भी लिख लेना क्योंकि पास्चुराइजेशन से रिलेटेड क्वेरी अब आ सकती है। और बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मनप्रीत कौर एंड अशोक जी, आपकी जो भी बहस हो रही है उसको कहीं बाहर करिएगा, चिट चैट मत करो, लाइव चैट मत करो, अदर स्टूडेंट को डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। तो अशोक कुमार जी ये आपके लिए स्पेशली था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कह रहा है कि भारतीय संसद को कम से कम डैश टाइम में मिलना चाहिए, यानी कि पार्लियामेंट से क्वेश्चन कल आया था तो पार्लियामेंट से ही क्वेश्चन यहाँ पे दिया है मैंने कि बोल रहा है कि भाई एक पार्लियामेंट यानी कि जो संसद है उसको एक वर्ष में कितनी बार या बेसिकली वर्ष में उसको कितनी बार मिलना चाहिए। ओके, आनंद कह रहे हैं सेकंड, अर्चना कह रही है सेकंड, रिंकू, पंकज सेकंड, वेरी गुड, अनुराग, ब्रजेश जी सेकंड, ठीक है, दीपक कुमार कह रहे हैं सेकंड, अभिषेक यादव सेकंड, वेरी गुड, ठीक है। चलिए तो करेक्ट करते हैं क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो सुनो भाई, आपकी जो भारतीय संसद है उसको कम से कम वर्ष में दो बार मिलना चाहिए, कितनी बार मिलना चाहिए, दो बार, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इज द
करेक्ट आंसर. अच्छा, भारतीय संसद ये जो सत्र होते हैं इनमें सेशन इंक्लूड हो जाते हैं ना, तो लिख लो इसको अपने इंडियन पार्लियामेंट, अपने भारतीय संसद में तीन प्रकार के सत्र, तीन प्रकार के सेशन होते हैं. लिखिएगा पहला, पहला होता है बजट सत्र, यानी कि बजट सेशन, जिसका टाइमिंग रहता है फरवरी से मई तक. आई रिपीट, बजट सत्र होता है फरवरी से मई तक. देन आफ्टर आपका मॉनसून सेशन या मॉनसून सत्र होता है, जिसका टाइम होता है जुलाई से सितंबर तक का. मॉनसून जो सत्र है वो होगा जुलाई से सितंबर तक का. थर्ड लिख लीजिएगा, इट्स विंटर सेशन, यानी कि शीतकालीन सत्र, जिसका टाइम रहता है नवंबर से दिसंबर तक का. क्लियर? तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है. और किसी भी सत्र को बुलाने का अधिकार, राइट किस पर होगा, तो पार्लियामेंट यानी कि संसद जो है उसको, पार्लियामेंट प्रेसिडेंट जो है वो उसको इनवाइट करता है, या राष्ट्रपति के द्वारा वो बुलवाए जाते हैं. या आप इसमें ऐसे भी कह सकते हो कि दोनों सत्र के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए. देखना भी आरआरबी ग्रुप डी में ये वाला क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा किसी ना किसी टाइम में, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है आपके आरआरबी ग्रुप डी के लिए. क्लियर? ठीक है, बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ दे दी, तो होप सो आपने नोट कर लिया होगा. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया, जो आपका थर्मामीटर मरकरी का जो थर्मामीटर होता है मरकरी वाला, उसको बेसिकली किसने डिस्कवर किया, उसका आविष्कार किसने किया. चलिए आंसर करिएगा. ओके, फारेनहाइट आंसर आ रहा है, फोर्थ आंसर आ रहा है, और सेकंड भी आंसर आ रहा है. भाई रंजन जी सेकंड कह रहे थे, ठीक है. सनी कुमार थर्ड कह रहे हैं, ओके ठीक है. चलिए करेक्ट करते हैं आंसर, बहुत लोगों ने आंसर कर दिया इसका. फोर्थ ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर. आपके जो मरकरी थर्मामीटर है उसको डिस्कवर, उसकी खोज फारेनहाइट ने ही करी थी. ठीक है, अभी लिखिएगा. बेसिकली आपका जो मरकरी इन ग्लास थर्मामीटर, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा उपकरण होता है जो तापमान में परिवर्तन, यानी कि चेंजेस अगर टेम्परेचर के अंदर हो रहा है तो उसके वजह से मरकरी के उसमें भी चेंजेस आने लगेंगे, और इसी वजह से मरकरी का प्रयोग थर्मामीटर में किया भी जाता है. तो 1714 में आपके जो फारेनहाइट थे, डेनियल ग्रोबियल इनका पूरा नाम था, डेनियल ग्रोबियल फारेनहाइट इनका पूरा नाम था. तो 1714 में डेनियल ग्रोबियल फारेनहाइट ने आपके मरकरी थर्मामीटर की खोज या आविष्कार किया था. क्लियर है, समझ आ गई कहानी जो बोली है. ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. जे जे थॉम्सन बिल्कुल नहीं होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो कि कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है. क्वेश्चन है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा विटामिन इसेंशियल है या जरूरी है. कल विटामिन से क्वेश्चन आया था ना, इसीलिए ये विटामिन से क्वेश्चन मैंने रखा है. कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट है, आंसर करना है. ठीक है, डी बिल्कुल सही है, कुछ लोग सी कह रहे हैं बस. ओके, ठीक है, करेक्ट करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर. काफी लोगों ने आंसर दिया है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विटामिन डी है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये आपके कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है. ठीक है, और विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है, तो विटामिन डी का केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल. देखो और भी विटामिन लिखे हैं, विटामिन ई का केमिकल नेम होता है टोकोफेरॉल, विटामिन ए केमिकल नेम रेटिनॉल, विटामिन सी केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड, है ना. तो केमिकल नेम पढ़ने की कोशिश करो, और एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो विटामिन बी जो होता है ना,
इसकी फैमिली पे थोड़ा ध्यान देना, विटामिन बी वन रिबोफ्लेविन, विटामिन बी वन थायमिन, विटामिन बी टू रिबोफ्लेविन, विटामिन बी थ्री आपका निकोटिनामाइड, विटामिन बी फाइव पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन बी सिक्स बायोटिन, विटामिन बी सेवन बायोटिन, सिक्स पायरिडॉक्सिन। तो ये जो केमिकल नेम मैंने बोल दिए हैं विटामिन बी की फैमिली के, है ना, तो ये केमिकल नेम याद कर लेना, क्योंकि बीच में सेकेंड या थर्ड डे पे आरआरबी के थर्ड शिफ्ट में आपके विटामिन बी की फैमिली से क्वेश्चन आया था, तो मे बी रिपीटिशन पॉसिबल है, तो विटामिन बी की फैमिली को याद करना है। क्लियर है बात, समझ में आ गई चीज, चलो और बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल याद है, और मैं चाहती हूँ सब याद है, मैं चाहती हूँ जैसे मुझे याद है ऐसे आप भी याद करो, तो कहीं ना कहीं मेहनत करी थी इसीलिए याद है, और ये मेहनत आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, समझ रहे हैं। चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटा एसिड की प्रकृति क्या है, ठीक है, एंटा एसिड का नेचर क्या है। कल क्वेश्चन था कि आमाशय में या स्टमक में अगर एसिडिटी हो है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन है तो क्या यूज करेंगे, तो आंसर था बेस, है ना। तो बेसिक मैंने अपने कल सेशन में भी बोला था कि एंटा एसिड जो है वो उसका आंसर आपको करना, अभी मैं आंसर नहीं दूंगी आपको। ओके ठीक है, बेसिक आंसर आ रहा है, वेरी गुड, सही है, करेक्ट है गाइस। एसिडिक कतई नहीं होगा, एसिडिक होगा तो अच्छा एक बात माइंड में याद रखो कि भाई अगर आमाशय में स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो एंटा एसिड का यूज करते हैं, तो अगर एसिडिक को कम करने के लिए हम एंटा एसिड का प्रयोग करें, दैट मींस एंटा एसिड क्या होगा, बेसिक होगा। जिन्होंने ये लॉजिक लगाया, वेरी गुड, हैट्स ऑफ टू यू गाइस, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया है, बेसिक इज द करेक्ट आंसर, क्षारकीय होगा एंटा एसिड की प्रकृति, ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट। खुराफाती लड़का, खुराफाती लड़के, तुम्हारा आंसर एकदम सही है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन कह रहा है कि मस्तिष्क डैश के रूप में सूचना का आदान प्रदान करता है, यानी कि ब्रेन रिसीव एंड सेंड सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में बेसिकली। पतंजलि जी बिल्कुल सही है आपका, आपने एग्जांपल दे दिया एंटा एसिड का, करेक्ट है गाइज, ये कमेंट एकदम सही है, आप देख लेना, इसको नोट कर सकते हो एग्जाम्पल से भी, क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से कई बार क्वेश्चन मिला है ना। चलिए सो ये क्वेश्चन का आंसर जो है कि भाई मस्तिष्क में जो सूचना का आदान प्रदान होता है वो किस रूप में होता है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स होती है, उस इलेक्ट्रिक इम्पल्स यानी कि विद्युतीय आवेग के रूप में आपके मस्तिष्क में जो है वो सूचना का आदान प्रदान होता है, और सूचना के आदान प्रदान में मुख्य रूप से कौन भाग लेता है, न्यूरॉन भाग लेता है, कौन भाग लेता है, न्यूरॉन भाग लेता है। न्यूरॉन कितने चीज से मिलकर बनता है, तो तीन चीज से, साइटोन, एक्सॉन और डेंड्रॉन, है ना, ये याद कर लेना। अच्छा नोट कर लो, ब्रेन का वेट जरूर याद कर लेना, एक ब्रेन का वेट, एक हार्ट का वेट, एक स्मॉल इंटेस्टाइन का वेट, ठीक है, ये तीन वेट याद कर लेना, अगर जिनके आने वाले टाइम में एग्जाम है उनके लिए मैं ये बता रही हूं। ओके चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है क्वेश्चन नाइन्थ कि भैया मैच द फॉलोइंग, मिलान करना है अपने को कि क्या मिलान आप करते हो, एक वैज्ञानिक दिया है और उसकी एक खोज दी है, चलो जल्दी से आंसर करो। ठीक है अच्छा, जनता ने भाई, हमारी जनता बहुत इंटेलिजेंट है, मैंने जो क्वेश्चन बोले वो आंसर आपको यही दे दे रहे हैं वो लोग, वेरी गुड। आयुष श्रीवास्तव आप आंसर दीजिए, कुछ अलग हटके थोड़ा काम कीजिए तो नाम अवश्य लिया जाएगा, वेरी गुड वेरी गुड। चलो गाइस वन आंसर दे रहे हैं आप लोग, सही है ठीक है। ओम प्रकाश जी वन कह रहे हैं, राहुल सिंह वन कह रहे हैं, अनुराग वंश कह रहे हैं, रवि वन कह रहे हैं, मोदी वन कह रहे हैं, ठीक है ओके सेकंड नहीं होगा बेटा, वन आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए मिलाते हैं इसको हम लोग,
फर्स्ट का सी यानी कि जोसेफ थॉमसन जो है उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी, लिखते जाओ। सेकंड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आपको पता होगा पेनिसिलिन की खोज करी, ठीक है। निरंदर कपाली ने ऑप्टिकल फाइबर की खोज करी, ये आपके आरआरबी ग्रुप डी के शुरुआत में भी मैंने एक क्वेश्चन याला रखा था। मैडम क्यूरी ने आपके रेडियम की खोज करी, ये आपको पता ही है। क्लियर इतनी बात? तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बात समझ में आ गया। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा एंजाइम है जो इमल्सिफाइड वसा का ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में रूपांतरित करता है। कोई बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ो समझ में आ जाएगा। नेम द एंजाइम दैट कन्वर्ट द इमल्सिफाइड फैट, सीधा सा फैट, ठीक है, को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में पता कन्वर्ट करता है। आपको केवल इतना आंसर करना है कि कौन सा एंजाइम है जो आपके वसा को वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। चलो आंसर करो जल्दी से। वेरी गुड, फोर्थ आ रहा है, सेकेंड आ रहा है, माल्टेज आ रहा है, ठीक है। नारायण दीक्षित जी फोर्थ कह रहे थे, वेरी गुड। अच्छा किसी ने लिखा था, मैं नाम तो नहीं पढ़ पाई, कि नोबेल प्राइज भी किसी को मिल चुका है, वेरी गुड मैडम क्यूरी को, हाँ बिल्कुल सही था। चलिए इस क्वेश्चन को करेक्ट करते हैं, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लाइपेज, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ कर लेना। रिप्सिन एंजाइम पॉलीपेप्टाइड को कन्वर्ट करता है अमीनो अम्ल अमीनो एसिड में, ठीक है। माल्टेज एंजाइम माल्टोस को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। क्लियर है? तो मैंने चारों पांचों एंजाइम बोल दिए, प्लीज नोट करो ताकि आने वाले टाइम में गलती ना करो, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको ऐसे ही करा रही हूं, आप बताते जाइएगा मुझे आंसर, मैं क्वेश्चन बोल रही हूं। क्वेश्चन है आपका, स्लाइड अभी आपको नहीं मिलेगी, क्वेश्चन है आपका एक जो मैं बोल रही हूं वो ये कि निम्नलिखित में से कौन साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2017 का विजेता। मेरा क्वेश्चन है 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है, ठीक है। और आपके ऑप्शन है अरुंधति रॉय, के एम सीकरी, प्रीति शिनॉय और ममंग दाई। मैं ऑप्शन लिख दे रही हूं, ममंग दाई, अरुंधति रॉय, ठीक है, देन आफ्टर के एम सीकरी और एक आपका प्रीति शिनॉय। चलिए जल्दी से ऑप्शन का, ऑप्शन आपको दिख गए हैं सामने, आंसर कर दो फटाक से। अच्छा अरुंधति रॉय आंसर आ रहा है, इंग्लिश में लिखो। अरे यार नाम क्या इंग्लिश में लिखे, अभिषेक अगर किसी का नाम है तो वो इंग्लिश हिंदी दोनों में अभिषेक अभिषेक ही ना लिखेगा। चलो आंसर करते हैं इस क्वेश्चन का, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ममंग दाई, ठीक है, नोट कर लो भाई, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी 2017 के अवार्ड दे रहे हैं, क्योंकि आपको अभिजीत सर ने भी कंटिन्यू बोला है कि भैया 2017 के अवार्ड पढ़ के जाओ, तो ममंग दाई इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और अब करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और मैं ऐसे बोल रही हूं कि देखते हैं आप लोग कितना आंसर करते हो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। आई रिपीट, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन है नेशनल हाईवे 4, नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 10 और नेशनल हाईवे 5। चलो जनता जल्दी आंसर कर दो। वेरी गुड, अरे वाह करेक्ट आंसर आ गया है। NH7 ऑप्शन दिख रहा है तुम लोगों को, NH7 ऑप्शन से तो आंसर दो यार।
वेरी गुड. नेशनल हाईवे 44 आंसर कर रहे हो, बिल्कुल सही है. नेशनल हाईवे 44 जो है ये है भारत का सबसे लंबा उत्तर दक्षिण राजमार्ग, या कहिए नॉर्थ साउथ नेशनल हाईवे जो है ये है आपका नेशनल हाईवे 44. ये नेशनल हाईवे श्रीनगर से शुरू होता है और कन्याकुमारी तक जाता है, और श्रीनगर से कन्याकुमारी तक में ये बहुत सारे स्टेट कवर करता है. स्टेट सुनिएगा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आपका महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, इतने स्टेट्स को कवर करता है, इसीलिए हम इसे सबसे लंबा नेशनल हाईवे भी कहते हैं. ओके, चलिए. सो कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग कल देखेंगे, और आज आपको अभी ज्वाइन करेंगे कौन, अभिजीत सर. तो बने रहिएगा हमारे साथ और क्वेश्चन को करते रहिएगा. नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नोट नहीं करोगे तो आपका इतने देर का आधे घंटे की जो पढ़ाई है वो वेस्ट हो जाएगी. ठीक है, तो नोट करते रहिएगा और चलते हैं. आज के सेशन को यहीं हम ख़त्म करेंगे, लेकिन 11 बजे आरआरबी ग्रुप डी के एनालिसिस के साथ एक बार फिर मिलेंगे. तब तक के लिए थैंक यू. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग. आप लोग को कैसे हैं आप लोग, और मैं आपका एजुकेटर अभिजीत मिश्रा, और यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक की जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं. आज हम बात करने वाले हैं कंपनीज़ के एमडी और सीईओ पर, कौन किस कंपनी का एमडी सीईओ है, उस पर हम तुरंत तुरंत रिविज़न करेंगे. तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा और पहले से आपको आंसर करना शुरू करना है. तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा. देखिए, तो पहला क्वेश्चन से पूछा गया है कि आयुष्मान भारत मिशन के सीईओ कौन है. कंप्यूटर जी मुझे हटा दें, जरा सर हटा दें मुझे. आयुष्मान भारत मिशन के सीईओ कौन है ये आपको बताना है. और यहां पर देखिए, यहां पर आपको क्वेश्चन देखने शुरू हो गए होंगे. यहां पे आयुष्मान भारत के सीईओ कौन है ये आपसे पूछा गया है. सबको गुड मॉर्निंग, सबको हेलो, सबको हाय. यहां पर आइए और आंसर दीजिए क्या मैंने पूछा यहां पर. और यहां पर आंसर आने शुरू हो गए इंदु भूषण जी. तो इंदु भूषण जी आयुष्मान भारत के सीईओ हैं, आप लोगों को मालूम है. आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं. थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आपके लिए होगा सेकंड क्वेश्चन. चलिए, खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के सीईओ कौन है. हु इज द सीईओ ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ये एक नया अपॉइंटमेंट है, इसीलिए क्वेश्चन आपके सामने है. हु इज द सीईओ ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया. खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के सीईओ कौन है, जल्दी से आंसर करें तो हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. जल्दी
और यहाँ पर आंसर आने अभी शुरू नहीं हुए हैं. बच्चे बोल रहे हैं क्या, बच्चे बोल रहे हैं पांचवा. पांचवा का मतलब क्या हो गया, पांचवे का मतलब हो गया पवन कुमार अग्रवाल. तो पवन कुमार अग्रवाल बिल्कुल सही आंसर है, ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ अपॉइंट हुए हैं. आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन. चलिए तीसरा क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में भी आ चुका है, हु इज द सीईओ ऑफ अमेजन. अमेजन के सीईओ कौन है, जो दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक है. अमेजन के सीईओ कौन है, जल्दी से रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, आगे बढ़ेंगे और दूसरे क्वेश्चन की बात यहां पर हम करेंगे जल्दी से. अमेजन कंपनी के सीईओ से पूछा जा रहा है, बहुत कॉमन आंसर है मेरे ख्याल से, मैक्सिमम बच्चों को बताओ. बिल्कुल सही आंसर, जेफ बेजोस. तो जेफ बेजोस जो है ये अमेजन के सीईओ हैं. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए एक नई कंपनी बनी है कहो इंडिया, एक नई कंपनी बनी है, ये बनी है फॉर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, गांव में विद्युत के लिए बनी है. तो कहो इंडिया के सीईओ कौन है, ये एक नई कंपनी है इसलिए शायद आपने नाम सुना ना हो. तो कहो इंडिया के सीईओ कौन है ये आपसे पूछा गया है, क्या आपको पता है कि नहीं पता है. नया अपॉइंटमेंट है, नई कंपनी है, देखते हैं आपको इसका आंसर पता है कि नहीं पता है. इस क्वेश्चन के बाद आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बट इसका आंसर पहले आना चाहिए. और यहां पर क्या आंसर हुआ देख लीजिए आराम से, इसका आंसर है, इसका आंसर है शुभंग जैन. तो शुभंग जैन जो है वो कहो इंडिया कंपनी के सीईओ हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा, शायद आपको याद नहीं है. आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात यहां, 5 की बात हम यहां करने वाले हैं. देखिए क्या बोला गया है कि अरिजीत बसु को किस बैंक का प्रबंध निदेशक अपॉइंट किया गया है. अरिजीत बसु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच बैंक. तो अरिजीत बसु की बारे बात हो रही है, अरिजीत बसु को कहां का एमडी अपॉइंट किया गया है, किस बैंक का, ये आपसे पूछा गया है. चलिए बताएं नया क्वेश्चन, एक आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आपको इसका आंसर देना है. और यहां पे रंजीत पाठक बोल रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आतिश प्रसाद बोल रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सुजीत बोल रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक. तो पंजाब नेशनल बैंक गलत आंसर है, इसका आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, याद कर लीजिएगा. अरिजीत बसु स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमडी अपॉइंट किए गए हैं, अरिजीत बसु याद रखिएगा. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे सोनी इंडिया के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी ऑफ सोनी इंडिया. सोनी इंडिया, सोनी कंपनी आपने नाम सुना होगा. तो सोनी इंडिया का नया एमडी कौन है ये आपको बताना है. आपके सामने 5 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे और सही आंसर आपको बताना है हमें ढूंढ के. सोनी इंडिया का एमडी कौन है देख लीजिए आराम से और आंसर दें, जल्दी से आंसर दें जो मैंने अभी आपसे तुरंत पूछा है और फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सेशन ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके एग्जाम में कॉन्टिन्यूस क्वेश्चन हो रहे हैं, आ रहे हैं और इसका आंसर आपको शायद नहीं पता है. इसका आंसर है सुनील नैयर. तो सुनील नैयर बिल्कुल सही आंसर है, सोनी इंडिया के ये एमडी हैं. आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने के लिए. हमारा 7वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है. राणा कपूर किस बैंक के सीईओ और एमडी हैं. राणा कपूर इज एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक. राणा कपूर जो है वो इस बैंक के फाउंडर भी हैं. तो आपको इसका आंसर देना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और कई बार आप लोग इसे पढ़ चुके होंगे जरूर. तो राणा कपूर किस बैंक के एमडी और सीईओ हैं ये आपसे पूछा गया है. देखते हैं कौन पहला आंसर करता है यहां पर. और यहां पर आंसर आने शुरू हैं, आ रहे शुरू. तो इसका आंसर है यस बैंक. तो यस बैंक के क्या है ये एमडी सीईओ हैं, इसकी इंफॉर्मेशन हमने आपको यहां पर दे दी है. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा. क्वेश्चन नंबर 8, हु विल बी द अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ पेप्सिको एज एन अक्टूबर 2018. अक्टूबर 2018 में पेप्सिको का नया सीईओ कौन अपॉइंट किया जाएगा. आपको पता है कि इंदिरा नुई पिछले 12 साल से पेप्सिको की सीईओ थी. तो इंदिरा नुई हट रही है और उनकी जगह पे कौन पेप्सिको का नया सीईओ बन रहा है ये आपसे पूछा जा रहा है और आपको आंसर देना है जल्दी. तो देखें और इसका आंसर दें जो मैंने आपसे अभी पूछा तुरंत. और यहां पर आंसर अभी आने शुरू हो गए हैं. बच्चे बोल रहे हैं मार्क बेनिफ, नहीं, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है रामन लगुआटा, ऑप्शन नंबर 4. रामन लगुआटा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 बेटा याद कर लीजिएगा, ये नया अपॉइंटमेंट है और ये इंपॉर्टेंट भी है, रामन लगुआटा. ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे. यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहां पर 30 जुलाई 2018 को HSBC इंडिया का नया सीईओ किसे अपॉइंट किया गया है. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ HSBC इंडिया. HSBC बैंक है, HSBC इंडिया का नया सीईओ आपसे पूछा जा रहा है कौन अपॉइंट हुआ है. आराम से देख लो मेरे क्वेश्चन का आंसर करें मुझे यहां पर. गाइस जल्दी से इस क्वेश्चन का दें, HSBC इंडिया का नया सीईओ किसे अपॉइंट किया गया है. हमारे पास 5 ऑप्शन है और आपको एक सही आंसर चूज करना है. यहां पर देखते हैं कौन पहला आंसर देता है. यहां पर योगेश कालिया बोले स्किप, हिमांशु मिश्रा बोल रहे हैं रोशा, अरविंद सुरेंद्र रोशा.
ओके, इसका आंसर भी क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, सुरेंद्र रोशा। तो सुरेंद्र रोशा बने हैं एचएसबीसी इंडिया के नए सीईओ। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप इसे नोट कर लें कृपया करके, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक आपने नाम सुना होगा, ये हमारे देश का पहला पेमेंट बैंक है, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो एयरटेल पेमेंट बैंक का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, एक बात याद रखिएगा, एयरटेल पेमेंट बैंक पर क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये हमारे देश का पहला पेमेंट बैंक है और इसने अपनी पहली ब्रांच खोली थी जयपुर में और हेडक्वार्टर कहां पे है, दिल्ली में। तो अब आपको इसका आंसर देना है जो मैंने आपसे दिया है। रामकृष्ण जी आपने आंसर दिया है, बिल्कुल आप रॉकस्टार है, बढ़िया आंसर दे रहे हैं मैं देख रहा हूं यहां पर। और सही आंसर अब दीजिए जो मैंने आपसे पूछा है। और सुभजीत मित्रा का आंसर आ चुका है यहां पर, विशाल सैनी का आंसर आ चुका है, बोल रहे हैं अनुव्रत विश्वास। तो क्या ये सही आंसर है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुव्रत विश्वास, लॉक कर दे गाइस। हम आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, हु विल सक्सीडेड विक्टोरिया कोलाओ एज द सीईओ ऑफ वोडाफोन ग्रुप। वोडाफोन समूह के सीईओ के रूप में विक्टोरिया कोलाओ का स्थान कौन लेंगे, मतलब वोडाफोन समूह के नए सीईओ कौन अपॉइंट होंगे, ये आपसे पूछा गया है। और यहां पर देखिए फिर से पांच ऑप्शन आपके सामने हैं। तो वोडाफोन कंपनी का सीईओ आपसे पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दें। राकेश कुमार जी, बिल्कुल रंजन जी, आपका आंसर सही है और आगे बढ़िए और वोडाफोन ग्रुप के सीईओ का नाम बताइए जो यहां पर आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं। रामकृष्ण आप बोल रहे हैं ब्लॉक पे क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है रामकृष्ण, आपकी बात सुनी जा रही है यहां पर। और अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका है निक रीड। निक रीड, गलत मत करिएगा। तो जो निक रीड है ऑप्शन नंबर 4 वो सही आंसर है, याद कर लीजिएगा, निक रीड ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में काम करती है एक कंपनी जिसका नाम है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। किसे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की बात हो रही है, यहां पर पांच ऑप्शन आपके सामने है। देखिए, नेहा गुप्ता, वोडाफोन आइडिया इंडिया में मर्ज हुआ है ना, और जो हम वोडाफोन ग्रुप की बात कर रहे हैं वो हम इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं। वोडाफोन जहां की कंपनी है मतलब इंटरनेशनल लेवल पे, वोडाफोन तो आइडिया के साथ इंडिया में मर्ज हुआ है ना। चलिए, और अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे जो मैंने आपसे पूछा है, जल्दी लिखिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात यहां पर हो रही है, सही आंसर क्या है, हाँ, ऑप्शन नंबर 2, संजीव नोटियाल। तो संजीव नोटियाल बने हैं नए एमडी और सीईओ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के, सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हु इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग। गाइस, आपके एग्जाम में नीति का फुल फॉर्म काफी पूछा गया है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और अभी ये क्वेश्चन है कि हु इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के सीईओ कौन है, ये आपसे पूछा गया है। चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं और सही आंसर क्या होगा, हाँ, पुनीत तिवारी, इंग्लैंड, जी हाँ बिल्कुल सही। और अब मेरे इस, हाँ, अमिताभ कांत बिल्कुल सही आंसर है। तो नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत, बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन आपको है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 14 की। चलिए, क्वेश्चन 14 क्या है, आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा एस्कॉर्ट ग्रुप, इसका काफी एडवर्टीजमेंट टीवी पर आता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द फार्म एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मेकर कंपनी एस्कॉर्ट ग्रुप। ट्रैक्टर व अन्य कृषि उपकरण बनाने वाली प्रसिद्ध कंपनी एस्कॉर्ट ग्रुप का नया चेयरमैन और एमडी कौन अपॉइंट हुआ है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और यहां पर पांच ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर आपको चूज करना है। यहां पर हम एस्कॉर्ट कंपनी की बात कर रहे हैं और सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है निखिल नंदा, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 निखिल नंदा बिल्कुल सही आंसर है, याद कर लीजिएगा निखिल नंदा। तो इसको लॉक कर दे, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करने जा रहे हैं हम। चलिए, क्या पूछा गया है, सलिल एस पारेख हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ विच कंपनी। सलिल एस पारेख को किस कंपनी के एमडी और सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है। यहां पर चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं और इन चारों में सही आंसर होगा। और गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारे कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक जरूर करें। चलिए, और अब इस क्वेश्चन का आंसर दे जो मैंने आपसे पूछा है। गाइस, क्वेश्चन नंबर 15 की बात यहां पर हो रही है, सही आंसर आपको बताना है। और सुजीत कुमार का सही आंसर यहां पर आ गया है, गुड्डू का भी सही आंसर आ गया यहां पर, और सही आंसर है इंफोसिस। तो इंफोसिस के ये एमडी और सीईओ अपॉइंट किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं आपसे। चलिए, 17वां क्वेश्चन,
16 क्वेश्चन, ठीक है. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम के एमडी और सीईओ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है. जितना भी आप लोग ऑनलाइन रिचार्ज करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ये सारा का सारा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर में ही आता है. ये जो भीम एप्लीकेशन है, यूपीआई है, सब कुछ एनपीसीआई का ही प्रोडक्ट है. तो एनपीसीआई के एमडी और सीईओ कौन है. और पतंजलि यूट्यूब ने आंसर दे दिया सही आंसर यहां पर, और देखते हैं, ठीक है. और सूरज कुमार बिल्कुल सही आंसर यहां पर, प्रमोद बिल्कुल सही. इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है दिलीप असबे. तो दिलीप असबे एनपीसीआई के क्या है, एमडी और सीईओ अपॉइंट किए गए हैं. एनपीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है. चलिए आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज अपॉइंटेड विशाल भाटिया एज द सीईओ ऑफ इट्स न्यू सप्लाई बिजनेस. किस कंपनी ने अपने नए आपूर्ति व्यवसाय के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में विशाल भाटिया को अपॉइंट किया है. यानी कि ये जो कंपनी होगी बेटा, ये कंपनी क्या है, ये कंपनी आपके घर तक सामान पहुंचाती है. जोमैटो हो गया, स्विगी हो गया, फाउज हो गया, जस्ट ईट हो गया, फूड पांडा, आप सबका नाम जानते हैं. तो आपको ये बताना है कि जो आपके यहाँ पर दिख रहे हैं नाम विशाल भाटिया, वो किस कंपनी के सीईओ बने हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है. शुभजीत बोल रहे हैं स्विगी, ओके, और देख लेते हैं. विश्वजीत बोल रहे हैं फूड पांडा, गलत है विश्वजीत बेटा. और मोदी बोल रहे हैं जोमैटो. इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है स्विगी. तो ये स्विगी के क्या बने हैं, सीईओ अपॉइंट हुए हैं स्विगी, आप लोग जानते हैं. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 20, हु इज द सीईओ ऑफ गूगल. गूगल के सीईओ कौन है, ये आपको बताना है. यहां पर ऑप्शन नंबर 2 में हिंदी नहीं है, सत्या नाडेला लिखा हुआ है वहां पर, ठीक है. तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर आपको चूज करना है. गूगल के सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं, जल्दी से मुझे बताएं, तो मैं आगे बढ़ूंगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी. और मेरे ख्याल से ये सारे बच्चों को पता होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया यहां पर. और इसका आंसर पहला कौन देता, देखें साहिल, ठीक है. सुप्रिया विश्वास जी बिल्कुल सही आंसर आप दे रही हैं. इसका आंसर है सुंदर पिचाई. तो सुंदर पिचाई सही आंसर है. आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. हु इज द सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ कौन है, ये आपसे पूछा गया है. और आई थिंक बड़ा सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है. यहाँ पर चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं. माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ कौन है, ये आपसे पूछा गया है. जल्दी से देखिए यहाँ पर और बताइए. बहुत सिंपल क्वेश्चन है और सही आंसर आने शुरू हो गए हैं यहाँ पर. इसका आंसर क्या है, इसका आंसर, हाँ जी बिल्कुल, इसका आंसर है सत्या नाडेला, ऑप्शन नंबर 2. सत्या नाडेला सही आंसर है, याद कर लीजिएगा. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर. हु इज द सीईओ ऑफ मास्टर कार्ड. मास्टर कार्ड कंपनी के सीईओ कौन है. आप लोग के पास अपने अपने बैंकों का डेबिट कार्ड होगा और आपके डेबिट कार्ड पर मास्टर कार्ड या वीजा लिखा होता है. ये उसी मास्टर कार्ड की बात हो रही है, ठीक है. तो मास्टर कार्ड कंपनी के सीईओ कौन है, ये आपसे पूछा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखते हैं कौन इसका आंसर सही कर पाता है. मानस बेटा, मार्क जुकरबर्ग तो फेसबुक के सीईओ है ना, तो काहे कंफ्यूज हो रहे हो यहां पर. मेरे इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दे जो मैंने आपसे पूछा है. मास्टर कार्ड कंपनी के सीईओ कौन है, अजय पाल सिंह. बिल्कुल सही आंसर आप दे रहे हैं, अजय पाल सिंह, मतलब ऑप्शन नंबर 1. तो अजय पाल सिंह सही आंसर है. आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. देखिए, हु इज द सीईओ ऑफ ड्यूस बैंक. ड्यूश बैंक के सीईओ कौन है. ड्यूश बैंक काफी बड़ा बैंक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटरनेशनल बैंक, जिसकी ब्रांचेस आपको हमारे इंडिया में भी मिल जाएंगी. तो ड्यूश बैंक के सीईओ कौन है, ये बहुत बड़ा बैंक है. तो आपको इसका आंसर देना है. यहां पर चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं. ड्यूश बैंक के सीईओ कौन है. चलिए, तो ड्यूश बैंक की यहां पर बात कर रहे हैं. क्या आंसर आपको पता है कि नहीं पता है, और इसका आंसर क्या होगा. इसका आंसर मैं आपको दे दे रहा हूं. इसका आंसर है क्रिश्चियन. इसका आंसर है क्रिश्चियन सेविंग, ऑप्शन नंबर 1. तो क्रिश्चियन सेविंग जो है, ये ड्यूश बैंक के सीईओ हैं, याद कर लीजिएगा. क्रिश्चियन सेविंग पहला ऑप्शन सही आंसर है, ठीक है. परेशान मत होइए, हमेशा इंडियन ही सीईओ नहीं होंगे. बहुत लोग यहां पर विक्रम पंडित और अंशु जैन की बात कर रहे हैं, गलत है. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं. चलिए, ये हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़िए. अलीबाबा के सीईओ कौन है, ये आपसे पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात कर रहे हैं. अलीबाबा के सीईओ कौन है. यहां पर बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत करने वाले हैं. बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत करने वाले हैं, देख लेना. पुनीत तिवारी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर. और अब आपको इसका आंसर देना है जो मैंने आपसे पूछा है. जल्दी से बताएं मुझे, अलीबाबा कंपनी के सीईओ कौन है.
और पतंजलि आप गलत हो गया, मैंने बोला था जैक मा थे, जैक मा ने डेनियल जैंग को बना दिया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर है डेनियल जैंग, ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो अलीबाबा के सीईओ जैक मा थे लेकिन जैक मा ने अभी डेनियल जैंग को बना दिया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन का नाम बताना है आपको और आई थिंक ये सबको पता होगा। देखिए यहां पर रिलायंस ग्रुप पूछा गया है, यहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो इसीलिए यहां पर कंफ्यूजन आपको दूर करना जरूरी है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन कौन है तो आपको आंसर क्या देना है, देखो कहां पे गलती होगी। अगर रिलायंस ग्रुप पूछेगा तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होने वाला है अनिल अंबानी, यानी ऑप्शन नंबर थ्री। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन पूछेंगे तो अनिल अंबानी लगाइएगा, गलत मत करिएगा, अनिल अंबानी सही आंसर है। इसके बाद वाला क्वेश्चन जी देखिए, और 25वां क्वेश्चन देखिए यहां पे क्या हो गया, हु इज द चेयरमैन एंड एमडी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में पूछा जाए तो फिर क्या होगा, तो इसका आंसर आप क्या देंगे, इसका आंसर आप देंगे मुकेश अंबानी। तो यहां पर मुकेश अंबानी सही आंसर हो जाएगा। तो आपको पता है ना कि दोनों कंपनी डिवाइड हो चुकी है, तो रिलायंस ग्रुप की बात करें तो क्या होगा, अनिल अंबानी, और रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो मुकेश अंबानी। यह चीज आपको समझनी होगी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन लगाएं, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात यहां पर हम करने जा रहे हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ द आदित्य बिड़ला ग्रुप, आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कौन है, ये आपसे पूछा गया है। यहां पर चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा और सही आंसर आपको चूज करना है। यहां पे आपसे पूछा गया जा रहा है आदित्य बिड़ला ग्रुप का चेयरमैन कौन है, जल्दी जल्दी से फिर हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कौन है, चार ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर आपको बताना है। और अभी क्वेश्चन आने शुरू नहीं हुए हैं गाइज, और देखते हैं कौन इसका, हाँ आंसर आना शुरू हो गया, इसका आंसर है कुमार मंगलम बिड़ला। कुमार मंगलम बिड़ला जो है वो आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन है, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन आपने दी है, तो इसे लॉक कर लें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर जल्दी से। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ एडोब सिस्टम, ये भी बेटा आपके एग्जाम में क्वेश्चन अभी आ चुका है। एडोब सिस्टम के प्रेसिडेंट कौन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, आपके रेलवे ग्रुप डी में आ चुका है, तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ एडोब सिस्टम, आपको इसका आंसर देना है गाइस, जल्दी से आंसर दे फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद मैथ वाले सर आएंगे और आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, और इसका आंसर क्या है, शांतनु जी, शांतनु नारायण, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। शांतनु नारायण जो है वो एडोब सिस्टम के प्रेसिडेंट हैं, बिल्कुल सही। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं। चलिए, सीईओ ऑफ एप्पल इनकॉर्पोरेशन, मतलब एप्पल कंपनी का सीईओ कौन है, ये आपसे पूछा गया है, और ये भी क्वेश्चन आपके इस बार एग्जाम में आ चुका है, एप्पल कंपनी के सीईओ कौन है। चलिए और देखिए आराम से और इसका आंसर दीजिए कौन है, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एप्पल कंपनी के सीईओ कौन है, टिम कुक, जी हाँ टिम कुक सही आंसर है, याद कर लीजिएगा, टिम कुक सही आंसर है। और आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, हु इज द एमडी ऑफ बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस, बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस के एमडी कौन है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है इस बार। बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस के एमडी का नाम आपको बताना है, जल्दी से बताएं बेटा फिर हम आगे बढ़ेंगे, और यहां पर मैथ वाले सर जो है वो आकर आपको क्लास कराएंगे। चलिए जल्दी बताएं क्वेश्चन का आंसर क्या होगा यहां पर। हाँ हाँ मोहम्मद राज आपका सही है, और इस क्वेश्चन का आंसर दे जो मैंने आपसे अभी पूछा है, और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है तपन सिंघल, ऑप्शन नंबर फोर, तपन सिंघल ऑप्शन नंबर फोर सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, बोइंग कंपनी का नाम आपने सुना होगा जो कि एयरक्राफ्ट बनाती है। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ बोइंग, बोइंग के प्रेसिडेंट का नाम बताएं, तो बोइंग का नाम यहां पूछा जा रहा है, सही आंसर यहां पर क्या होगा उसके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं, और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर मैं आपको दे रहा हूं बिकॉज क्वेश्चन थोड़े और हैं और लेकिन अभी टाइम नहीं है, तो इसका आंसर है डेनिस मुलेनबर्ग, ऑप्शन नंबर थ्री, तो ऑप्शन नंबर थ्री सही आंसर है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ा कंप्यूटर जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Who is the chairman and CEO of Dell? Dell कंपनी के CEO और चेयरमैन का नाम बताना है आपको। यहां पर आप देख लें, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, कम टाइम है तो इसके लिए मैं आपको आंसर दे रहा हूं। इसका पहला ऑप्शन सही आंसर होगा माइकल डेल, तो माइकल डेल जो है वो डेल कंपनी के CEO हैं, डेल कंपनी के CEO हैं। आगे बढ़ा क्वेश्चन। Who is the chairman and CEO of Facebook? Facebook के चेयरमैन कौन है, तो हम सब जानते हैं मार्क जुकरबर्ग है, इसमें ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, तो मार्क जुकरबर्ग सही आंसर है। आगे बढ़िए क्वेश्चन 30 क्वेश्चन। चलिए, मैरी टी बारा,
इज द चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ विच कंपनी. मैरी टी बर्रा जो है वो किस कंपनी की सीईओ और चेयरमैन है, ये आपको बताना है. ये काफी इंपॉर्टेंट लेडी है और टाइम मैगजीन की जो टॉप 5 बिजनेस वुमेन होती हैं उसमें इनका नाम है. तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा जनरल मोटर्स. तो मैरी टी बर्रा जो है वो जनरल मोटर्स जो अमेरिकन कंपनी है इसकी सीईओ है. ये बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए एक कंपनी है लॉकहीड मार्टिन. लॉकहीड मार्टिन जो है वो बनाती है F-16 लड़ाकू विमान. तो क्या पूछा गया है, हु इज द चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ लॉकहीड मार्टिन. देखो लॉकहीड मार्टिन का अभी इंडिया से एग्रीमेंट चल रहा है और F-16 की विंग्स जो हैं वो बनाए जाएंगे इंडिया में. तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि लॉकहीड मार्टिन की सीईओ कौन है, ये आपसे पूछा गया है बेटा. और इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 मरिलियन हेवसन. मरिलियन हेवसन ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा, याद कर लीजिएगा. हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से. चलिए तो क्या पूछा गया है आपसे, ब्रायन कर्जिनिक किस सेमीकंडक्टर विनिर्माण कंपनी के सीईओ हैं. ब्रायन कर्जिनिक जो है वो किस कंपनी के सीईओ हैं, ये आपसे पूछा गया है. और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा इंटेल. इसका आंसर होगा इंटेल. इंटेल याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2. आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ नोकिया. नोकिया के प्रेसिडेंट का नाम आपको बताना है. नोकिया के तो बात करें इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा राजीव सूरी. ऑप्शन नंबर 1 राजीव सूरी सही आंसर है. एक लास्ट क्वेश्चन. रिटेल जायंट वॉलमार्ट मतलब सॉरी वॉलमार्ट कंपनी के सीईओ कौन है, ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है. तो इसका आंसर है डग मैकमिला. ऑप्शन नंबर 4. तो यहां पर ये सेशन हम कंप्लीट करते हैं और मैथ वाले सर अभी आ रहे हैं और आपको मैथ पढ़ाएंगे, कहीं जाइएगा नहीं. उसके बाद एनालिसिस में आपसे मिलेंगे. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़िए. थैंक यू. हेलो नमस्कार, वेलकम टू टेस्ट बुक. मैथ्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है.
थोड़ी तबीयत खराब थी, कल क्लास नहीं ले पाया। हमारे नए सर जो हैं सुमित सर, बहुत अच्छा उन्होंने यहाँ सभी लोगों ने तारीफ करी। कल मैं भी लाइन पे था, मैंने काफ़ी कमेंट करे, बच्चों से बात करी, मैंने काफ़ी बच्चों का कॉल भी आया, मेल भी आया, तो अच्छी क्लास गई कल की। और मैं चाहता हूँ कि डेली डेली आप क्लास अच्छे से क्वेश्चन लगाते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाते रहें, जिससे आपका भी फ़ायदा होगा। ठीक है सर, एक स्लाइड दिखा दीजिए। गुड मॉर्निंग सभी को, सभी को गुड मॉर्निंग। तो देखिए बेटा, 50% आपको ईयरली पास पे ऑफ मिल रहा है, बिकॉज हमारे 50 लाख यूजर्स हो गए हैं इस टाइम पे testbook.com पे। ठीक है, तो उसके लिए हम 50% ईयरली पास पे आपको ऑफ दे रहे हैं। अब आपको पूरे साल का जो मिल रहा है पास, वो सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज़ का मिल रहा है, जिसमें आप किसी भी एग्जामिनेशन की कोई भी टेस्ट सीरीज उसके अंदर आ जाएगी पूरे साल भर के लिए। तो जल्दी से जल्दी आप बाय करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए फिर सेशन शुरू करते हैं हम आज का अपना। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे और नए नए क्वेश्चन लगाएंगे, नई चीज़ें सीखेंगे। ट्रिगो के थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन मैंने आज इंक्लूड करे हैं, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा ज़्यादा करवा है, बिकॉज दो तीन दिन से बच्चे कह रहे थे सर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाते। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। जी गणेश, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से सर मुझे टाइमर दे दीजिएगा 40 सेकेंड्स का। हेलो, चलो क्वेश्चन आ गया है, जल्दी जल्दी लगाते हैं। फोर्टी वन, वेरी गुड, गुड मॉर्निंग कुंदन, वेरी गुड। सभी का देखिए 41 आंसर आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। मीडियन का क्वेश्चन मैं हर बार कराता हूँ। मीडियन के लिए क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डर में सबको लगा देना है, यानी सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा, फिर 32 आ जाएगा। तो 29, देन 32, देन 34, फिर 37, फिर 41, टोटल 9 टर्म्स हैं, पांचवा हमारा 41 है, इसीलिए 41 आंसर हो गया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। गुड मॉर्निंग बच्चा बाटी, चलिए जल्दी क्वेश्चन लगाते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ चुका है, और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लिया तो लिख जाएगा, वैल्यू मत रखिएगा, बिकॉज उधर 3 दिया हुआ है, वैल्यू रखने में बहुत दिक्कत हो जाएगी, वैल्यू मत रखिएगा। अंकित सिंह जी, आप नहीं मिस कर रहे थे क्या, मुझे लग रहा है आप नहीं मिस कर रहे थे। चलो टाइम अप हो गया है, अभी तक आंसर नहीं आया। 1/2 आ रहा है सर, 1/3 आ रहा है। आओ जरा देखें, बहुत इजी क्वेश्चन है। साइन वाई प्लस कॉस वाई डिवाइडेड बाई साइन वाई माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू 3। हमें टैन वाई की वैल्यू निकालनी है, क्लियर। देखो क्या करेंगे, कॉस से डिवाइड कर दो, तो क्या हो गया, जब पूरे ऊपर भी और नीचे भी कॉस से डिवाइड कर दिया, कॉस वाई से, तो क्या हो गया, ये टैन वाई प्लस 1 अपॉन टैन वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 3 हो गया, क्लियर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया तुम्हारे पास, टैन वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 3 टैन वाई माइनस 3 हो गया। अब देखो जरा, टैन को इधर ले जाओ, ये इधर ले जाओ, तो क्या हो गया, 4 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 टैन वाई, यानी टैन वाई की वैल्यू 2। सॉल्व, ठीक, क्लियर, टैन वाई की वैल्यू 2 आ गई, सबको समझ में आया, 1/2 नहीं 2 आ रही है आंसर, सबका आंसर सही आया। अब चला जाए, चलो नेक्स्ट करते हैं। सिर्फ कॉस वाई से डिवाइड कर देना है ऊपर नीचे, ठीक है, कॉस वाई से डिवाइड कर देना है, आंसर 2 आ जाएगा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो गया है। ये क्वेश्चन हम हर बार लगाते आए हैं क्योंकि एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन काफी आ रहे हैं और एचसीएफ वाले क्वेश्चन भी काफी आ रहे हैं, तो ध्यान रखना बेटा। कॉस वाई से इसलिए किया बिकॉज पूरी क्वेश्चन को टैन में कन्वर्ट कर दिया। आपका मन है आप साइन वाई से डिवाइड करना, आप साइन वाई से डिवाइड कर दो तब भी सॉल्व हो जाएगा। अनुराग आपको साइन से करना है, बस एक दोनों ऊपर नीचे मुझे खाली एक में लेके आना था, बस आपको नहीं डिवाइड करना है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। 34 आंसर आ रहा है, 32 आंसर आ रहा है, 33 आंसर आ रहा है, क्यों अलग अलग आंसर आ रहा है भाई, जल्दी सॉल्व करिए। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बस खाली आपको डिवाइड कर देना है जो हमारी इक्वेशन आ रही है उसको एक्सक्यूज मी, यानी 3026 को डिवाइड कर देंगे अगर हम 89 से तो हमारा काम बन जाएगा। तो 89 से डिवाइड कर दिए जाओ और डिवाइड कर देते हैं, ठीक। अब 90 दिया हुआ है, ये अप्रॉक्सीमेटली 90 है, तो तीन बार कर लीजिए, यानी तीन लिखा हमने, 9 + 27 दो, 8 + 24 और 2 = 26, ठीक। 12 + 5 = 9 = 3 = 6, ठीक। 4 = 36 = 3 = 32 = 35 यानी 34 आंसर आ गया, क्लियर। 34 आ रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। वेरी गुड, सभी का 34 आ रहा है, बहुत बढ़िया, चलिए जल्दी जल्दी लगाते हैं। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में भी, फिर से बता रहा हूं, ध्यान रखना इस क्वेश्चन में भी थीटा की वैल्यू रख के देख लो, यहां पे आराम से थीटा की वैल्यू रख सकते हैं बेटा, यहां पे आराम से थीटा की वैल्यू रख सकते हैं हम, हाँ 34 ही होगा। वन क्यों आ रहा है, -2 आ रहा है रिंकू का, क्या करो यहां पे, यहां पे थीटा इज इक्वल टू 45 रख लो, तो tan 45 प्लस cot 45 इज इक्वल टू 2, ये सही है, ठीक। अब हमें क्या रखना है, 3 थीटा, यानी 3 × 45 क्या हो गया हमारे पास में, 135 tan, ठीक। अब जब क्वाड्रेंट की बात करें तो 135 इधर आ जाएगा, यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, यानी tan 45 माइनस का आ गया, ये -1 आंसर, ठीक, -1 आंसर आ गया, वेरी गुड, -1 आंसर आ रहा है बेटा, सभी का -1। चलो नेक्स्ट करते हैं सर, अब देखो 25 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और 3 की पावर 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/27 चलिए जल्दी आंसर बताइए कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन। चलो जल्दी करो जल्दी, -1 आया, -2 आया, 0 आया, -1, देखो सभी का अलग अलग आंसर आ रहा है, क्यों गड़बड़ हो रही है, आओ जरा ध्यान देते हैं क्या दिया हुआ है। 25 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 को क्या लिख सकते हैं, 25 की पावर 0 लिख सकते हैं, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू -y हो गया। अब नीचे वाला जरा देखो क्या दिया हुआ है तुम्हारे पास में, 3 की पावर 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/27, ठीक, यानी क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर
4x plus y is equal to 1 upon 27. ठीक, अब यहाँ पे इसको 27 की पावर माइनस 1 कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्लियर? अब 27 क्या है, 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर माइनस 3 हो गया, यानी 4x plus y is equal to minus 3, x is equal to minus y है, यानी अगर यहाँ पे minus x रख दूँ, तो 3x is equal to minus 3, यानी x is equal to minus 1, हो गया, अब x is equal to minus 1 है, तो y is equal to 1 हो जाएगा, तो xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी, minus 1 आ जाएगी, ठीक, xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी, minus 1 आ जाएगी, minus 1 आंसर है बेटा, चलिए, next question लगाइए सर, A tree is 70 meters high, its shadow is x meters shorter than sun's altitude is 45 degree, then where it is 30 degree. हमें निकालना है x meters. Question बहुत अच्छा है बेटा, ध्यान दीजिए. ध्यान दीजिए, question बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. हमें क्या दिया हुआ है, एक पेड़ है जो 70 मीटर का है, ठीक है, जो 70 मीटर का वृक्ष है, जब सूर्य का उन्नयन कोण क्या होता है, 45 डिग्री के बजाय 30 डिग्री होता है, तो उसकी छाया x मीटर से छोटी हो जाती है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, भाई जल्दी आंसर करिए, 2, 2, 3, C, C, 2, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, देखिए सबका अलग अलग आंसर आ रहा है, मैं बताता हूं, देखो आओ जरा ध्यान दो, ये मान लिया हमने वृक्ष है, ये पेड़ है हमारा, ठीक, अब देखो जरा एक बार कितना एंगल बनता है, 45 डिग्री का, और एक बार कितना एंगल बनता है, कितना, 30 डिग्री का, अब मान लिया ये ए बी सी डी है, तो हमें ये एक्स निकालना है, ठीक है, इस x की बात करी जा रही, इसकी वैल्यू निकालनी है, ये हमें 70 दिया हुआ है, अब कुछ नहीं करना है, सीधे tan थीटा लगाना है, काम खत्म, tan 45 लगाया, क्या हो गया, AB upon BC हो गया, AB की वैल्यू कितनी, 70, 45 की वैल्यू कितनी, 1, यानी BC की वैल्यू कितनी हो गई, 70 हो गई, ठीक, यानी ये 70 आ गया, आ गया, अब tan 30 लगा दो, tan 30, अब क्या हो गया, AB upon BD, अब ये क्या होता है, 1 upon root 3, तो क्या हो गया हमारे पास में, BD की वैल्यू कितनी आ गई, 70 root 3 आ गई, अब CD को क्या लिख सकते हैं, BD minus BC is equal to CD, होता है हमारा, क्लियर, अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, 70 root 3 minus 70, तो क्या हो गया, 70 कॉमन आ गया, √3 - 1 ब्रैकेट के अंदर, ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक, समझ में आ गया सबको कैसे निकाला, ठीक है, सभी को क्लियर हो गया ना भाई, चले नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गुड मॉर्निंग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 4:5, इफ बोथ नंबर्स आर इंक्रीज बाई 4, रेशियो बिकम्स 5:6, दोनों नंबर का सम बताना है,
दोनों नंबर्स का सम बताना है, जल्दी बताइए। चलो और देखते हैं क्या दिया हुआ है हमारे पास में। क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है हमारे पास 4:5 का रेशियो दिया हुआ है दो नंबर्स का। अब वो रेशियो जब चार चार ऐड करा जाए तो 5:6 का होता है। दोनों नंबर में चार ऐड किया यानी इधर भी देखो एक बड़ा है, इधर भी देखो एक बड़ा है, यानी एक की वैल्यू किसके बराबर, चार के बराबर। तो इधर से अगर देखें चार और पाँच की वैल्यू पता लग गई, हमें क्या निकालना है, सम ऑफ टू नंबर्स। टोटल सम कितना है, नौ, और एक की वैल्यू किसके बराबर है, चार के। तो नौ की वैल्यू किसके बराबर होगी, नौ इंटू चार यानी 36 आंसर आ गया। क्लियर, 36 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सुजीत, कुछ लोगों का काम सिर्फ बोलना ही होता है और कुछ काम नहीं होता है। तो कुछ लोग बोल लेते हैं और कुछ लोग करके दिखाते हैं। जो लोग बोलते रह जाते हैं वो ज़िंदगी भर बोलते ही रहते हैं, और जो लोग कर लेते हैं वो कहीं पहुंच जाते हैं। देखो बोट क्या दिया हुआ है, बोट मूव्स डाउनस्ट्रीम एट द रेट ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर एंड अपस्ट्रीम एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। जरा ध्यान दो, डाउनस्ट्रीम की क्या दिया हुआ है, स्पीड की अगर बात करें डाउनस्ट्रीम की कितनी दी हुई है, 8। डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या हो गया, बोट प्लस स्ट्रीम। अब अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी दी हुई है, 4। ये क्या है, बोट माइनस स्ट्रीम। हमें बोट की स्पीड चाहिए, दोनों को प्लस कर दो, ये क्या हो गया 12, ये क्या हो गया 2b, यानी b इज इक्वल टू 6। ठीक, क्लियर, 6 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। चलो जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सीधे ऑप्शन से जाओ, आंसर तुरंत आता है, कुछ करना ही नहीं है। देखो हमारे पास में क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 35/37। अब कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब बात करी जा रही कॉट थीटा की, कॉट थीटा क्या होता है भाई बताओ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी 35 वैल्यू तो ऊपर आएगी ही आएगी। सिर्फ एक ऑप्शन है जिसमें 35 ऊपर आ रहा है, बाकी ऑप्शन में तो आ नहीं रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सीधे ऑप्शन पे जाओ और आंसर मार दो। ठीक, क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। 35/12 आएगा बेटा, हाँ बेटा, इसीलिए मैंने पिक किया है, कल हुआ था आपसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 21 वर्कर्स कैन रिपेयर अ रोड इन 40 डेज। 21 वर्कर दिया हुआ है हमें, 40 डेज में कोई रोड रिपेयर कर देते हैं। अगर 7 और वर्कर ने ज्वाइन कर लिया तो कितने टाइम में रोड क्या हो जाएगी, रिपेयर हो जाएगी।
सात और वर्कर आके जुड़ गए तो कितने टाइम में रोड रिपेयर हो जाएगी? चलिए भाई जल्दी निकालिए। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही, सभी का आंसर आ रहा है 30-30। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत अच्छा। देखिए क्या दिया हुआ है हमें, अगर 21 वर्कर 40 दिनों में काम करते हैं, सात और आ गए तो कितने दिनों में काम हो जाएगा? ठीक है, अगर सात और आ गए तो हमें सीधे सीधे पता लग जाएगा भाई, इसमें तो कुछ करना भी नहीं पड़ेगा हमें, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, x की वैल्यू आ जाएगी, देखो 3 से काट दो 7 हो जाएगा, 3 से काट दो 9 हो जाएगा, आ जाएगा आंसर 30। ठीक, क्लियर है, आ जाएगा 30, 7 मोर वर्कर्स आ गए। चलो नेक्स्ट करते हैं, 28 आ जाएगा। हाँ जी हाँ जी, 21 40 28 x, सात से काट दिया, चार बार गया, सात से तीन बार, चार से काटा 10 बार, x की वैल्यू 30 आ रही है। चलो नेक्स्ट आ गया हमारे पास में क्वेश्चन, नेक्स्ट आ गया, सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, हाउ मेनी ईयर्स इट विल ट्रिपल इटसेल्फ। देखो अगर 10 साल में दुगना हो जा रहा है, यानी क्या हो गया हमारे पास में, जितना प्रिंसिपल था उतना ही इंटरेस्ट मिला, कितना 10 सालों में। ठीक, यानी रेट कितना हो गया 10%। अब तीन गुना होना है, यानी 2p इंटरेस्ट मिलेगा, p है रेट, 10% है, टाइम निकालना है हमें। ठीक, तो टाइम कितना हो गया 20 साल। ओके 20 आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन निकालिए सर। चलो जल्दी जल्दी करते हैं, समय बिल्कुल नहीं है हमारे पास में, अब जल्दी जल्दी करते हैं, क्वेश्चन बहुत है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स आउट ऑफ 7 इज 25 एंड लास्ट 6 इज 20, हमें निकालना है इफ लास्ट नंबर इज 30 फर्स्ट नंबर क्या है। लास्ट नंबर अगर 30 है तो फर्स्ट नंबर क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करो। कितने क्वेश्चन बचे हैं? ओके, अगर एवरेज पहले 6 नंबर का 25 है, चलिए जल्दी निकालिए, एवरेज पहले 6 नंबर का 25 है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है बेटा, कुछ करना नहीं है तुम्हें, बहुत अच्छा 60 60, वाह बहुत सही, सबका आंसर शुरू हो गया आना। भाई अगर 6 नंबर का एवरेज 25 है, यानी शुरुआत के 6 नंबर सभी 25 हैं, और लास्ट के अगर देखा जाए तो लास्ट से क्या हो गया, सभी 20 आ रहे हैं। ठीक, यानी बीच में जो नंबर है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 और लास्ट 6, यानी कि 7 नंबर्स की अगर बात करी जाए तो 7 नंबर में पहले से 6 और 7 से लेकर 2 तक अगर हम गिन रहे हैं तो सारे नंबर्स हो गए, यानी कि हमें निकालना है कि लास्ट नंबर अगर 30 है हमारा तो पहला नंबर क्या हो जाएगा। तो पहला नंबर सीधे सीधे उसी का डबल यानी कि 60 हो जाएगा, उसी का डबल यानी कि 60 हो जाएगा। भाई इस हिसाब से सोचो, देखो इसमें पेन उठाने की जरूरत भी नहीं थी, पहले 6 नंबर टोटल कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है हमें पता है अच्छे से, क्लियर, ध्यान देना, बिल्कुल पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो जरा, पहले 6 नंबर 25 दे रहे हैं और आखिरी के 6 नंबर 20 दे रहे हैं, क्लियर, यानी कि ये जो 1 2 3 4 5 नंबर है ये रिपीट हो रहे हैं, दोनों ही बार में रिपीट हो रहे हैं ना। अब जरा देखो, अगर 6 नंबर से किया जाए तो ये 150 और ये 120, यानी 30 एक्स्ट्रा पड़ रहा है ना,
30 एक्स्ट्रा पड़ रहा है, वो कितने लोगों के ऊपर? 5 लोगों के ऊपर 30 एक्स्ट्रा आया, आया एक बार 30 एक्स्ट्रा कैलकुलेट हुआ। अब अगर लास्ट नंबर हमें पता लग गया 30 है, तो पहला नंबर इसी का दोगुना 60 हो जाएगा आंसर। ठीक है भाई, 60 आ गया आंसर, समझ में आ गया? अरे एकदम सिंपल है, ये जो 5 है ये रिपीट हो रहे हैं ना दो बार हमारे। अगर 25 को 6 से किया तो 150 आता है, अगर 20 को 6 से किया तो 120 आता है, यानी कि 30 हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया है, 30 एक्स्ट्रा आ गया है। इसके पास 30 है तो इसके पास होना चाहिए बराबर करने के लिए कितना, क्योंकि बीच में 30 एक्स्ट्रा पड़ रहा है ना, तो बराबर करने के लिए इसके पास कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। सिंपल, ठीक, अब समझ में आया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अरे बहुत इजी सा बेटा है, देखो अगर मैं टॉफी बांट रहा हूं सभी को, शुरुआत से मैंने टॉफी बांटना शुरू किया, 6 बच्चों को मैंने 25-25 सभी को बांटी, एंड से मैंने बांटना शुरू किया तो मैंने बांटा 20-20 सभी को बांट ली, यानी बीच के जो 5 लोग हैं उनको दो बार गिना जा रहा है, दो बार गिना जा रहा है ना, इतना समझ में आता है। शुरुआत से अगर 25-25 सभी को, तो 6 बच्चे को 150 टॉफी, अगर एंड से 120-20 हुआ है तो 6 बच्चों को 120 ट्रॉफी, यानी कि 30 ट्रॉफी एक्स्ट्रा आ रही है। अगर आखिरी वाला बच्चा है उसके पास 30 है, तो पहले वाले बच्चे के पास कितनी होनी चाहिए थी, 30 होनी चाहिए थी, तभी तो, यानी 30 प्लस 30 60 होनी चाहिए थी, यानी 30 एक्स्ट्रा होनी चाहिए थी बराबर करने के लिए। बस अमित ने क्या किया, 20% अपनी इनकम का स्कूल को दे दिया। अब क्या किया, 20% ऑफ द रिमाइंडर बैंक में रख दिया, और उसकी सेविंग कितनी है भाई, 12,800 रुपए। तो इनकम कितनी होगी, अगर सेविंग 12,800 रुपए है तो इनकम कितनी होगी, जल्दी बताइए। वेरी गुड, चलिए सभी का आंसर 20,000 आ रहा है, एकदम करेक्ट है, कुछ नहीं करना है इसमें, मुझे तो सॉल्व भी नहीं करना है इसमें, चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए, बहुत इजी है बेटा इसमें। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया सभी को, ये इससे क्लियर हो जाएगा ना भाई, 64% ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 128,000, ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, क्लियर। चलो नेक्स्ट करते हैं, ठीक, नेक्स्ट सिखाइए भाई। दो बार 20% कम हुआ था ना, तो एवरेज हमने निकाल लिया कितना 20% कम हुआ, तो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 होता है, तो एक्स प्लस वाई कितना हो गया, 20-20-40 हो गया, माइनस बाई 100 यानी 4 माइनस, यानी 40 में 4 माइनस यानी 36 माइनस, 100 में से कितना माइनस हुआ, 36, बचा कितना, 64 बचा, 64 की वैल्यू दी हुई थी कितनी, 128 दी हुई थी, तो उससे हमें पता लग गया कि 20,000 आंसर हो गया, क्लियर। सुधीर और रोहन की मंथली इनकम का रेशियो दिया हुआ है हमें, सुधीर और मंथली इनकम का रेशियो दिया हुआ है, मंथली एक्सपेंडिचर का भी रेशियो दिया हुआ है, अगर सेविंग दिया हुआ है, इफ दे सेव रुपीज 2,600 रिस्पेक्टिवली, मंथली इनकम सुधीर की कितनी होगी, चलिए बताइए जल्दी। टू टू फोर जीरो, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, 2240। देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है, कैसे करना है पता है, क्या किया हमने, 7x में से 2000 घटाया और 3x में से
600 घटा दिया, इसको किसके बराबर कर देंगे, 2/3 के कर देंगे, ठीक। इससे क्या हो जाएगी, x की वैल्यू निकल आएगी, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है भाई, समझ में आ गया। सॉल्व तो नहीं करना पड़ेगा, और जरा सॉल्व कर देते हैं यार। देखो 21x प्लस कितना हो गया 6000, सॉरी माइनस, ठीक, इज इक्वल टू 6x माइनस 1200, ओके। अब इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, 6 माइनस किया 21 में कितना बचा भाई 15x, और इसको प्लस कर दिया 1200 माइनस कर दिया तो क्या हो गया हमारे पास में, पहले 1000 घटाया तो 50 आ गया, ये कितना हो गया 48। एक्स की वैल्यू निकालो 320 आ जाएगी, 7x की वैल्यू निकल जाएगी, क्लियर है भाई, क्लियर। 7 × 320 क्या आ गया, 0, 14, 1, 21, 22, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, चलो लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी। हाँ अंकित पूछो, क्या हो गया, गुड राकेश, अंकित बताओ, दिया हुआ है एक सम 5832 हो जाता है 2 साल में, किस पे, 8% पर एनम पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट एट 9% पर एनम फॉर 3 ईयर्स ऑन द सेम अमाउंट, यानी कि जो पैसा इसमें लगाया था वो ही इसमें लगा दिया सिंपल इंटरेस्ट 9% पे 3 साल के लिए, जरा निकालो। चलिए जल्दी सॉल्व करिए, 1350 1375 1350, देखो दो अलग अलग आंसर आ रहे हैं, आओ जरा देखते हैं क्या हुआ, 8% की बात करी जा रही थी और सम कितना हो गया 5832 2 सालों में हो गया, ठीक है, क्लियर, 5832 हो गया, अब 2 सालों में हो गया, जरा 8% रेट की बात करते हैं, 8% को कैसे लिख सकते हैं, 8/100, 4 से काटा 2 बार, 4 से काटा हमने कितना हो गया 25 हो गया, क्लियर, यानी कि प्रिंसिपल हमारा और अमाउंट की बात करें तो प्रिंसिपल पहले साल 25 और अमाउंट 27 और दूसरे साल ये 729 और ये कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, क्लियर। अब देखो हमें 2 साल में क्या दिया हुआ है, 5832 दिया हुआ है, ये किसके बराबर हो गया, 729 के बराबर हो गया, 625 की वैल्यू निकालनी है, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, 3 साल के लिए 9% पे हमें SI निकालना है, प्रिंसिपल आ गया हमारे पास में, अब इसमें क्या करो, 3 साल के लिए 9% पे SI निकाल दो, ठीक है। अब क्या हो गया, 25 से काटा ये 25, 25 से काटा ये 4, ठीक, 4 से ज़रा इसको काट दो, 4 से इसको काट दिया हमने तो कितना हो गया, 1 बार गया 18, 4 बार गया कितना हो गया हमारे पास में, 16 आया, 23 हो गया, 5 बार गया और 8 बार गया, क्लियर। अब हमारे पास में इसको सॉल्व करेंगे, हाँ जी ट्रिक से ही कर रहा हूँ, मैंने डायरेक्टली इसको बराबर कर दिया है और उसकी वैल्यू से हम बराबर कर रहे हैं और सीधे सीधे अब हमारा आंसर आ जाएगा। देखो जरा, ये हो गया हमारे पास में 27, इसको काटा ये बच गया 27, हो गया 27, क्लियर। अब जरा 27 से इसको काट के देखो हमारे पास में आंसर आ जाएगा, जरा 27 से डिवाइड करके देखो 158 से, ठीक। 27 की अगर बात करें तो 27 में ये कितना है कि अपॉन 30 है तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 4 से मल्टीप्लाई करें तो हो गया 28 और 10,
अभी भी हमारे पास में 5 बार जा सकता है, यानी कितना हो गया 35 3 10 13 135 आया, हो गया 108, ये कितनी बार चला गया 4 बार चला गया, यानी कि कितनी बार 5 और 4 बार, ठीक है 54 आ गया, इसको इससे काटा 54 आता है, इसको इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ जाएगा हमारे पास में 1350। क्लियर, समझ में आ गया, हो गया भाई क्लियर, ठीक है चलिए ओके, ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है, सभी का करेक्ट हो गया है। चलिए फिर कल मिलते हैं, अभी कहीं मत जाइएगा, एनालिसिस शुरू होने वाली है हमारी, तो यहीं पे रुकिएगा, इसके बाद हमारी एनालिसिस शुरू है, ठीक है कल मिलते हैं आपके साथ में फिर नए क्वेश्चन के साथ में, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन के साथ में, और कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।
हेलो एंड वेलकम टू testbook.com. सो आरआरबी ग्रुप डी के एनालिसिस के लिए आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है. और जो क्वेश्चंस आज के पेपर पैटर्न में रहे वो ऑलमोस्ट सेम रहे. एनालिसिस मैं आप ये बोलूंगी कि एनालिसिस देख लोगे वही काफ़ी होगा आपके लिए. और आपका पेपर अगर दो तीन दिन में है ना तो आप एनालिसिस आपके लिए बहुत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन दो दो तीन तीन दिन के गैप पर रिपीट ही हो रहे हैं, है ना. तो क्या क्वेश्चन रहे जी और जीएस के, सबसे पहले हम लोग वो डिस्कस करते हैं, देयर आफ्टर वी विल डिस्कस मैथ्स एंड रीजनिंग एज वेल. चलिए, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग. और यहाँ पर हम आए हैं रेलवे का एनालिसिस करने के लिए, कैसे क्वेश्चन जीए और जीएस से आपको देखने को मिले. वही सेम है, चीफ मिनिस्टर वही है, गवर्नर वही है, सब कुछ वही है. शेफाली हम बड़े खुश हैं क्योंकि उनके पढ़ाई का क्वेश्चंस आए हैं काफ़ी. ये आप इनके चेहरे से देख पा रहे हैं, खुशी इनकी जो है झलक रही है ना. चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है देखिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया है. फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया मिस वर्ल्ड, तो मिस वर्ल्ड कौन बना है ये आपको बताना है. बात हो रही है 2018 की, तो मिस वर्ल्ड की बात कर लें. ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है हमारे पेपर में और ये मानुषी छिल्लर जी हैं, ये आपको पता है, तो आंसर लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. तो मानुषी छिल्लर सही आंसर है, जो कि इन्फॉर्मेशन आपको हमने दे दी. आपको ये पता भी है, ये पता भी आपको है. शेफाली मैम है जो कि लिख रही हैं यहाँ पर आपके लिए आंसर. चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है अमेजन कंपनी के सीईओ, अमेजन कंपनी के सीईओ पूछा गया है. और अमेजन कंपनी के सीईओ की बात करें तो ये भी रिपीट है और इसका आंसर क्या होगा, जेफ बेजोस. आपको ये पता है, अभी मॉर्निंग के सेशन में हम बात कर रहे थे इसकी. तो जेफ बेजोस जी अमेजन के सीईओ हैं, जो आपको हमने बता दिया. एक क्वेश्चन क्या पूछा गया, 2017 में जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसका कोच कौन था, कोच ठीक है, और किसका कोच, क्रिकेट टीम का कोच कौन था. तो ये कौन थे, अनिल कुंबले सर, जिनका विराट कोहली से थोड़ा सा अनबन हो गया था और बहुत ये न्यूज़ में था. तो अनिल कुंबले सही आंसर है, ये आपको यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ठीक है. इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है, चौथा क्वेश्चन, 2017 का मूर्ति देवी अवार्ड किसको मिला है ये आपसे पूछा गया है. मूर्ति देवी भी इंपॉर्टेंट काफ़ी है, तो ये मिला है जॉय गोस्वामी को. पहले सर अपने क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, देन आफ्टर मैं अपने क्वेश्चंस पर आती हूँ. ठीक है, तो मूर्ति देवी अवार्ड की बात करें तो जय गोस्वामी को मिला है, ये हमने आपको बता दिया. एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि वर्ल्ड मलेरिया डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड मलेरिया डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है. तो वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड टू क्रिएट अवेयरनेस अगेंस्ट मलेरिया. ठीक है, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आपसे पूछा गया है सिक्स क्वेश्चन स्टैटिक का, पंजी जो हमारा कैपिटल है गोवा का, वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है. ठीक है, पंजी की बात करें तो अगर आप करंट अफेयर्स शो हमारा देख रहे होंगे तो इसीलिए लास्ट में 10 क्वेश्चन हम डेली स्टैटिक के आपको करवा रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर पंजी की बात करें तो पंजी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसका आंसर क्या है, मंडोरी लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, मंडोवी रिवर वहां पर है, इसके किनारे ये बसा हुआ है. आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की बात कर ले यहाँ पर, तो आपसे पूछा गया तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है. तो मैम थोड़ा सा साइड होंगी अब, तो बच्चे देख लेंगे यहाँ पर, चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है ये आपसे पूछा गया है. और आई थिंक मुझे लिखने की जरूरत नहीं है ये कौन है, चंद्रशेखर राव जी हैं, ये आपको पता है. इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया, आठवां क्वेश्चन आपसे, ब्रांड अम्बेसडर ऑफ BSNL, और ये रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है किसका, मैरीकॉम जी का, आपको ये पता है. तो MC मैरीकॉम जो है वो ब्रांड अम्बेसडर बनी है BSNL की, MC मैरीकॉम, आपको इसका आंसर पता है. ठीक है, एक क्वेश्चन क्या पूछा गया, नवा क्वेश्चन आपसे, एशियन गेम्स की अगर हम बात करते हैं, अगर हम एशियन गेम्स की बात करते हैं तो एशियन गेम्स में इस बार क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर इंडिया की तरफ से कौन था. तो ये हमारी वुमेन्स हॉकी टीम की कैप्टन रानी रामपाल जी थी, वो फ्लैग बेरर थी, और ओपनिंग सेरेमनी में नीरज चोपड़ा थे जो जेवलिन थ्रोअर हैं. ठीक है, तो ये भी आपको समझना होगा, एशियन गेम्स क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर, तो ये कौन है, रानी रामपाल, ये आपको इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर दे दी है. और क्वेश्चन की बात करें तो 10th क्वेश्चन हमारा था GST के ब्रांड अम्बेसडर, और GST के ब्रांड अम्बेसडर कौन है, तो हम सबको मालूम है अमिताभ बच्चन जी हैं. तो GST के ब्रांड अम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी हैं, ये आपको पता है. इसके बाद एक क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन पूछा गया आपसे, कैपिटल ऑफ पेरू, पेरू की कैपिटल क्या है ये आपसे पूछा गया. तो वेल ये क्या है, लीमा है, आपको ये पता है. तो पेरू की कैपिटल क्या है, लीमा है, ये भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर हम दे दे रहे हैं. और क्वेश्चन की बात करें, 12th क्वेश्चन की हम बात यहाँ पर कर लें, तो आपसे पूछा गया कि 45th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, 45th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे.
तो दीपक मिश्रा जी थे, और आपको पता है कि अभी नया अपॉइंटमेंट अक्टूबर में हो जाएगा, रंजन गोगोई जी 46 सीजीआई बनेंगे, तो 45th कौन थे, तो दीपक मिश्रा थे, ये इन्फॉर्मेशन हमने आपको यहाँ पर दे दी है। आगे बात करते हैं, तो क्या पूछा गया, इंडिया में किसको बर्ड्स मैन के नाम से जाना जाता है, तो ये कौन है, सलीम अली है, सलीम अली जी है एक पर्सन है, तो ये आंसर देख लीजिए, ये थोड़ा नया क्वेश्चन था और अलग टाइप क्वेश्चन था जो अक्सर देखने को नहीं मिलता है। एक क्वेश्चन पूछा गया मन की बात जो बुक लॉन्च की गई थी रिसेंटली में, मन की बात बुक के ऑथर कौन है, मन की बात बुक की बात यहां पर हो रही है, ऑथर कौन है, तो ये कौन है, ये है आपके राजेश जैन है, ये भी इंफॉर्मेशन हम आपको यहां पर दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा गया आपसे, पूछा गया कि राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड किसको दिया गया, और ये क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं मॉर्निंग वाले सेशन में, और ये कौन थे, गोपाल कृष्ण गांधी जी हैं, जो आपको हम पढ़ा चुके हैं, ये पता भी होगा, वो सिंपल क्वेश्चन है। तो राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड किसे मिला, गोपाल कृष्ण गांधी को मिला है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कौन है, त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कौन है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, और ये कौन है, बिप्लब कुमार देव, ये भी इन्फॉर्मेशन आपको हम दे चुके हैं पहले ही। एक क्वेश्चन पूछा गया कि आयरन लेडी के नाम से हम किसको जानते हैं भारत में, आयरन लेडी की बात यहां पे कर रहे हैं, तो आयरन लेडी कौन है, तो आयरन लेडी की बात करें तो ये कौन है, ये हमारे साउथ से बिलोंग करती हैं, और इनका नाम क्या है, इनका नाम है इरोम शर्मिला। काफी दिन ये फास्ट रखी, अगर प्रोटेस्ट किया इन्होंने, तो इनको आयरन लेडी बोलते हैं, इरोम शर्मिला। ये क्वेश्चन का आंसर हमने आपको दे दिया। एक क्वेश्चन फिर से ऑस्कर पे पूछा गया है, और हमने आपको ऑस्कर पर पूरा एक क्वेश्चन और आंसर का सेशन आपसे लिया था। क्वेश्चन पूछा गया कि ऑस्कर में, इस बार के ऑस्कर में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला, और बेस्ट एक्टर कौन है, ये आपको पता है, ये मैं पढ़ा भी चुका हूं आपको। तो ऑस्कर की बात करें, बेस्ट एक्टर गैरी ओल्डमैन है, ये इन्फॉर्मेशन आप लोग जानते हैं गैरी ओल्डमैन का, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चंस हमारे पास आते जा रहे हैं, और हम बात करते हैं और क्वेश्चन की। तो आपसे पूछा गया थाईलैंड की कैपिटल क्या है, थाईलैंड कैपिटल की बात करें तो ये बैंकॉक है, आपको ये पता होगा थाईलैंड कैपिटल। उसके बाद पूछा गया क्या छत्तीसगढ़ की गवर्नर कौन है, तो छत्तीसगढ़ हो चाहे मध्य प्रदेश हो, आपका आंसर वही होगा, तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं, ये आपको इन्फॉर्मेशन है। तो अभी शेफाली मैम आपके और क्वेश्चन कराएंगी, देखते हैं और भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको हम अपडेट करते जाएंगे। जो आपके जीएस में क्वेश्चन है, सबसे पहले तो किंग ऑफ एसेट का एक क्वेश्चन आया था कि किंग ऑफ एसेट किसे कहा जाता है, तो किंग ऑफ एसेट H2SO4 जो होता है, इसको किंग ऑफ एसेट के नाम से जाना जाता है, तो पहला ये क्वेश्चन। दूसरा, साइंटिफिकल नेम पूछा गया है, तो एप्पल का बेसिकली साइंटिफिकल नेम या वैज्ञानिक नेम यहां पर पूछा गया, ठीक है, और वैज्ञानिक नेम एप्पल का साइंटिफिक नेम है मैलस, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद एक क्वेश्चन बेसिकली एलिफेंट का भी साइंटिफिक नेम यहां पर पूछा गया, और एलिफेंट का साइंटिफिक नेम होता है एलिफस मैक्सिमस, ठीक है। तो अभी मैं आपको यहां सजेस्ट करूंगी कि जब इसके साइंटिफिक नेम पूछे गए हैं, तो आपको जरूरत है कि डॉग, कैट, मस्टर्ड, ठीक है, सरसों जिसे हम कहते हैं मस्टर्ड, और आपके पीकॉक, ठीक है, मैंगो, इन सब के साइंटिफिक नेम आप याद करके जाइएगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। जिन लोगों का आने वाले टाइम में एग्जाम है उनके लिए ये मैंने लिखा है, पी बिटेस में मटर, पी को भी ऐड करना, ठीक है, पी का भी साइंटिफिक नेम बहुत पूछा जाता है, तो ये आपको एक सजेशन था एक्स्ट्रा। अब मैम एक मिनट मैम को रोकते हैं, कुछ क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स के आ गए हैं, फिर मैम आप कंटिन्यू कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नाटो, तो नाटो का हेडक्वार्टर ब्रसल्स में है, और याद रखिएगा यूरोपियन यूनियन का भी हेडक्वार्टर ब्रसल्स में ही है, ब्रसल्स बेल्जियम की कैपिटल है। एक क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, तो देखो प्लानिंग कमीशन का हमेशा चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ही होता है, तो पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो आपको पता है जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो आंसर क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। फिर पूछा गया मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम, तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन
कौन है, मिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी हैं, ये इन्फॉर्मेशन। फ्लिपकार्ट के सीईओ आपसे पूछा गया है, तो ये कौन है, ये है कल्याण कृष्णमूर्ति, कल्याण कृष्णमूर्ति। तो ये कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास जो आपको हम अपडेट करते जा रहे हैं, शेफाली मैम आगे संभालेंगे। ओके, सो एक क्वेश्चन इनमें से पूछा गया था कि इनर्ट गैसेस जो होती हैं, ठीक है, इनर्ट गैस, वो इनर्ट गैस आपके फोर्थ पीरियड में, चौथे पीरियड में कौन सी होगी, तो होती है वो क्रिप्टॉन। ठीक है, ये एक आपके पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन कंटिन्यू बन रहा है। अभी भी एक पूछा गया है, लार्जेस्ट जॉइंट इन बॉडी, आपकी बॉडी में लार्जेस्ट जॉइंट, तो बायो से सिलेक्टिव टॉपिक से बेटा एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, स्केलेटन सिस्टम हो गया, ये तीन सिस्टम को आप डेली बेसिस पे पढ़ते जाओ क्योंकि उससे मैक्सिमम क्वेश्चन बन रहा है। तो लार्जेस्ट जॉइंट इन अ बॉडी बेसिकली नी जॉइंट, आपका जो घुटने का जॉइंट होता है जिसे हम पटेला कहते हैं, ठीक है, उसका जॉइंट बेसिकली आपका सबसे लार्जेस्ट जॉइंट होता है। एक क्वेश्चन पूछा है, स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस पूछी गई थी कल के पेपर में, आपकी सबसे स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस बताई थी हाइड्रोजन की, और अभी उन्होंने क्या किया, ऑप्शन दिए हैं आपको सोडियम मैग्नीशियम क्लोरीन करके, तो उनमें सबसे जो स्मॉलेस्ट आपकी वो है रेडियस, वो क्लोरीन की होगी। ओके, ये एक क्वेश्चन आया था। देन आफ्टर नाइट्रोजन की वैलेंसी पूछी गई है, नाइट्रोजन की वैलेंसी, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी एक होती है केमिस्ट्री, फिजिक्स से कुछ हटके केमिस्ट्री की तरफ वेटेज बढ़ा है आपके आरआरबी ग्रुप डी का, तो केमिस्ट्री और बायो पर स्ट्रेस अभी आप दो, है ना। आज ही सुबह मैं बात कर रही थी कि एक काम करो, विटामिन बी की जितनी भी फैमिली के जो केमिकल नेम होते हैं उनको याद करने की कोशिश करो। तो देखो, आज ही के सुबह वाले पेपर में आपका क्वेश्चन आया था कि विटामिन बी 12 का केमिकल नेम, तो विटामिन बी 12 का केमिकल नेम होता है साइनो कोबाला मीन। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन रहे आपके इसके, क्लियर दिमाग। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन और दिखाता हूं मैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन अपडेट हुआ है, लीबिया की कैपिटल पूछी गई है, तो त्रिपोली है लीबिया कैपिटल। हमारे करंट अफेयर शो में लास्ट में स्टैटिक में हमने कई बार इसका रिवीजन कराया हुआ था, तो गाइस अगर आपको स्टैटिक जीए भी अपना स्ट्रॉन्ग करना है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ हमारे करंट अफेयर्स वाले सेशन में आए, जहाँ पर हम आपको स्टैटिक का भी इसीलिए रिवीजन करवा रहे हैं कि मात्र 5 मिनट में आपके 10 क्वेश्चन डेली रिवीजन हो रहे हैं, यानी अगर आपने एक महीने क्लास कर ली तो आपके 300 क्वेश्चन ऐसे ही आपके याद हो जाएंगे आपको। ठीक है शेफाली मैम, तो इसके बाद आपको अभी हमारे क्वेश्चन यहीं तक रखेंगे, इसके बाद भी अगर कुछ और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट मिले हम लोगों को तो आपसे डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन जाइएगा कहीं नहीं क्योंकि मैथ्स के टीचर आ रहे हैं आपके साथ, मैथ्स का क्या पैटर्न रहा, क्या क्वेश्चंस रहे उसको डिस्कस करने। ठीक है, तो सुमित सर आएंगे और बात करते हैं कि सुमित सर किन किन क्वेश्चंस को लेकर आए हैं आपके लिए। सुमित सर के बाद हमारे रीजनिंग की फैकल्टी श्याम आसरे सर जो आएंगे और आपको रीजनिंग के बारे में पढ़ाएंगे कि रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन देखने को मिले। तो सुमित सर अभी आपको मैथमेटिक्स के बारे में बताएंगे, क्या क्वेश्चन बने, क्या अप्रोच होना चाहिए और कितने अटेम्प्ट होने चाहिए। थैंक यू क्लास, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि मैथ्स में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल कैसा है। ठीक है, तो देखिए लेवल तो वही है जो पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है, पहले क्वेश्चन देखे वैसे ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या आया था, आपको कोई नंबर दिया था उसका एलसीएम दिया था, किसी नंबर का एलसीएम दिया है 1206, एचसीएफ दिया है 84, एंड फर्स्ट नंबर आपको दिया है 56। आपको फाइंड आउट करना था सेकंड नंबर क्या होगा, मतलब किसी नंबर का एलसीएम दिया है 1206, एचसीएफ दिया है 84, फर्स्ट नंबर दिया है 56, आपको ये बताना था कि इसका सेकंड नंबर क्या होगा। तो पता है हम लोगों को फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1206 इंटू 84। और फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास 56, तो यहाँ पुट कर देते 56 इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 1206 इंटू 84। ठीक, सो सेकेंड नंबर कितना मिल जाएगा हम लोगों को, सेकेंड नंबर हो जाएगा 1206 इंटू 84 डिवाइड बाय 56। 7 से कैंसिल करते कितना टाइम्स हो जाएगा, 8 टाइम्स, 7 से कैंसिल किया 12 टाइम्स, 8 से कैंसिल कर देते इसको, अच्छा 4 से कैंसिल करते 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स हो जाएगा,
टू से कैंसिल किया, 603 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे सो सेकंड नंबर कितना मिल जाएगा हम लोगों को, 3 3 9 1809 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो क्या किया हम लोगों ने, फर्स्ट से सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई किसके इक्वल होता है, LCM और HCF के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, सो सेकंड नंबर कितना मिल गया हम लोगों को, 1809 आपका आंसर आ गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आया था। अगला क्वेश्चन आपका आया था सर्कल से था, मतलब आपसे बोला गया था कि आपके पास एक पहिया है, व्हील दिया है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, 99 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। कितना डिस्टेंस कवर किया, 99 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। इसका डायमीटर दिया है, डायमीटर मतलब परिधि है ना, डायमीटर दिया है 63 सेंटीमीटर। याद रखिएगा ये जो डिस्टेंस दिया है ये किलोमीटर में दिया है एंड डायमीटर दिया है 63 सेंटीमीटर दिया है। तो आपको ये बताना था कि इस पहिए ने 99 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितने रिवॉल्यूशन लिए होंगे, रिवॉल्यूशन मतलब कितना राउंड लिया होगा कि इसने 99 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, जैसे ही ये पहिया, ध्यान समझना थोड़ा सा ये क्वेश्चन, जैसे ही ये पहिया एक रिवॉल्यूशन पूरा कंप्लीट करेगा तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, जो इसका सर्कमफेरेंस होगा, एंड सर्कमफेरेंस क्या होता है इसका, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना हो जाता है, 2πr। सर्कमफेरेंस मतलब हो जाएगा हिंदी में परिधि बोलते हैं जिसको हम लोग, है ना, परिधि कितना है, 2πr है। अच्छा 2πr उसमें मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कर देते एन, तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 99 किलोमीटर। ठीक है, बस यहाँ से आपको क्या करना था, एन का वैल्यू निकालना था। ठीक, तो वैल्यू पुट कर देते 2 × π का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22/7। ठीक, आपको जो दिया है डायमीटर का वैल्यू दिया है, डायमीटर का हाफ क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, तो रेडियस कितना मिल जाएगा हम लोगों को, 63/2 × नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू 99 किसमें दिया था, किलोमीटर, किलोमीटर से हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। इस बात का ध्यान रखना कि कन्वर्जन यूनिट, कन्वर्जन का थोड़ा ध्यान रखना आप लोग, 99 किलोमीटर में दिया था एंड ये जो रेडियस दिया था सेंटीमीटर में दिया था, तो किलोमीटर से क्या करते हैं हम लोग, मीटर की बात करते हैं, तो एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होता है, तो सो किलोमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसको क्या लिख देंगे, 99 × 10^5। ठीक, अब यहाँ से नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, 7 से कैंसिल किया कितना हो जाएगा, 9 times। ठीक, 11 से कैंसिल किया 2 times, 11 से कैंसिल किया अगेन 9 times, 9 से 9 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10^5 / 2। ठीक, तो n का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 10^5 कितना हो जाएगा, 10000/2, आंसर कितना हो जाएगा, 50 होंगे, आंसर कितना हो जाएगा, 50,000 रिवॉल्यूशन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके प्रॉफिट एंड लॉस से, देखिए पेपर का लेवल अभी भी इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं आ रहा, तो डरने की कोई भी बात नहीं है। ठीक, आपसे बोला है किसी वस्तु का अंकित मूल्य दिया है, देखिए हिंदी इतना अच्छा नहीं है हमारा, अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस, ठीक, मार्क प्राइस दिया है 40%, अच्छा मार्क प्राइस पे 40% का डिस्काउंट दिया है। ठीक, किसी वस्तु के मार्क प्राइस पे अंकित मूल्य पर 40% का डिस्काउंट दिया है और एक सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है, सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब क्रमगत बट्टा, ठीक, क्रमगत बट्टा दिया है 10% और 20%, आपको इन दोनों का डिफरेंस दिया है। ठीक, डिफरेंस दिया है 132 रुपीज़, आपको ये बताना है कि वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा या मार्क प्राइस क्या होगा। ठीक, आपसे बोला है क्वेश्चन में किसी वस्तु का मार्क प्राइस निकालना है, जिसपे क्या किया है, पहला 40% का डिस्काउंट दिया है, सेकंड क्या किया, 10% और 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है, दोनों का डिफरेंस दिया है 132, तो आपको ये बताना था कि इसका मार्क प्राइस क्या होगा। चलिए देखते हैं आंसर क्या आ रहे हैं आप लोगों के, वन थाउजेंड वन हंड्रेड
चलिए देखते हैं आंसर कैसे करेंगे हम लोग। फर्स्ट डिस्काउंट दिया 40% और एक और डिस्काउंट क्या दिया 10% एंड 20%। ठीक है, तो 10% 20% का हम लोग पहले क्या करते हैं, डायरेक्ट डिस्काउंट में कन्वर्ट करते हैं। फॉर्मूला क्या लगा देंगे, 10 + 20 - 10 × 20 / 100। इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा, 10 + 20 कितना मिल जाएगा 30, 30 में से कितना माइनस करें 2, तो ये कितना मिल जाएगा आपको 28%। ये आपको मिल गया डायरेक्ट डिस्काउंट, कितना मिल गया 28% डायरेक्ट डिस्काउंट मिल गया है। अच्छा, इन दोनों का जो डिफरेंस बन रहा है 40 और 28, डिफरेंस कितना बन रहा है 12% हमारा डिफरेंस बन रहा है। एंड रुपीज़ में कितना दिया है, 132 रुपीज़ दिया है, तो हम लोग बोल सकते हैं 12% जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 132 रुपीज़ के इक्वल हो जाएगा। 12% 132 रुपीज़ के इक्वल हो जाएगा। आपको मार्क प्राइस निकालना है, मार्क प्राइस मतलब किसका वैल्यू निकालना है, 100% का। तो 100% का वैल्यू कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसको कैंसिल कर देते हैं, 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 रुपीज़। अगर 1% का वैल्यू 12 रुपीज़ है, सो 100% का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 1200 रुपीज़ आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो जिसका भी 1100 आंसर आ रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखिए, इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1200 रुपीज़। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन था आपका साधारण ब्याज से, आपसे बोला गया था कि किसी वस्तु का सिंपल इंटरेस्ट दिया है आपसे 54 रुपीज, ब्याज दर दिया है उसका 15% एंड टाइम दिया हुआ है 8 मंथ्स। आपको ये बताना है कि उसका प्रिंसिपल क्या होगा। ठीक है, प्रिंसिपल क्या होगा इसका, आपको दिया है इंटरेस्ट का वैल्यू दिया है, साधारण ब्याज का वैल्यू दिया है 54 रुपीज, रेट मतलब ब्याज दर दिया है 15%, टाइम दिया है, समय दिया है 8 मंथ। आपको ये बताना है कि प्रिंसिपल का वैल्यू क्या होगा। ठीक, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो टाइम दिया है इसको आप लोग क्या करना है, ईयर में कन्वर्ट कर लेना है, या साल में कन्वर्ट कर लेना। ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 12 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 2/3। ठीक, तो ईयर में कितना हो जाएगा 2/3 ईयर। अब आप लोगों को सभी को पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 54 रुपीज, प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है हम लोगों को, रेट कितना दिया है 15%, टाइम कितना हो गया था 2/3 × 100। बस क्वेश्चन बहुत इजी हो गया है। अब आप लोगों को क्या निकालना है, इसमें प्रिंसिपल का वैल्यू कैलकुलेट करना था। प्रिंसिपल का वैल्यू कैसे निकाल, 3 से कैंसिल कर दिया 5 टाइम्स हो गया। ठीक, 5 से कैंसिल किया 20 टाइम्स हो गया, 2 से कैंसिल किया 10 टाइम्स हो गया, तो प्रिंसिपल का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 540 रुपीज़ आपका आंसर था। ठीक, अच्छा कितने लोगों का आंसर, अच्छा बहुत से लोगों का, स्टूडेंट्स के आंसर आ रहे हैं 540। चलिए बहुत शानदार, अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा फास्ट करते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, रेशियो का क्वेश्चन था, ए एंड बी का रेशियो दिया था 4:5, 3a + 2b / 3a - 2b का आपको वैल्यू कैलकुलेट करना था। ठीक है, ए एंड बी का रेशियो दिया था 4:5, 3a + 2b / 3a - 2b का वैल्यू कैलकुलेट करना था। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, a का वैल्यू 4 पुट करना है, b का वैल्यू 5 पुट करना है, आंसर आ जाएगा आप लोगों का। ठीक, a का वैल्यू अगर 4 पुट करते कितना हो जाएगा 12 + b का वैल्यू 5 पुट करते कितना हो जाएगा 10। ठीक, इसमें पुट करते कितना मिल जाएगा, 4 × 3 = 12 - 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 12 + 10 कितना हो जाएगा 22 / 12 - 10 कितना मिल जाएगा 2, सो रेशियो कितना मिलेगा 11, और 11 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। सो 3a + 2b, 3a - 2b का वैल्यू कितना मिल जाएगा 11, हम लोगों का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ का सेशन अभी यहीं कंप्लीट करते हैं हम लोग, और आप लोगों से बताना चाहेंगे, देखिए पेपर का लेवल इतना डिफिकल्ट नहीं है, पेपर सिंपल ही आ रहा है। अभी आपसे श्याम सर मिलेंगे जो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि रीजनिंग में किस टाइप से और कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुमित जी।
हेलो गाइस, सभी लोगों को नमस्कार, वेलकम और testbook.com के ऑफिशियल यूट्यूब पर आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। मैं श्यामा सारे और आज आरआरबी में नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या क्या आए थे, किस तरीके से आए थे, सब कुछ हम लोग वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं और पेपर अच्छे तरीके से आप सभी लोगों ने सॉल्व किया होगा। फटाफट देख लो क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि रीजनिंग का पेपर बहुत ही ईजी आ रहा है जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं। फटाफट जान लीजिए कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे और किस तरीके से। सबसे पहली बात तो पेन और पेपर अपने पास लिख लो और तेज़ी से टॉपिक लिख लीजिए, बहुत तेज़ी के साथ कॉपी करिएगा, यहाँ व्हाइट बोर्ड पर लिख रहा हूँ। उसके बाद एक एक दो दो क्वेश्चन भी ले लेंगे कि किससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे जो बच्चों ने हमें बताए। ठीक है, सबसे पहले बात कर ले हमारे पास सायलोगिज्म, लिख लेना बहुत तेज, सायलोगिज्म के क्वेश्चन थे और रेगुलर बन रहे हैं तो आगे वाले सेशन में भी ये आएगा और हर एक शिफ्ट में ये आया हुआ है। ठीक है, पहला शिफ्ट हो गया, पहला टॉपिक हो गया। दूसरे नंबर के बारे में बात कर ले, तो दूसरा नंबर हमारे पास जो है इमेजेस से रिलेटेड है। इमेजेस से भी दो क्वेश्चंस थे, एक अपने पास मिरर इमेज एडजस्टरी जैसे बनता है, बट एक क्लॉक से रिलेटेड था। बच्चों ने कंफर्म किया कि एक टाइमिंग बताई गई है, टाइम बता दिया गया, उस टाइम से रिलेटेड उसका मिरर इमेज पूछा हुआ है। एंड अनदर एक और भी वर्ड दिया हुआ था, कोई वर्ड दिया हुआ था लेटर से रिलेटेड, यानी एक वर्ड दिया हुआ था, उस वर्ड का इमेज पूछा गया था। वो दोनों क्वेश्चन अभी हम सभी लोग देखेंगे, उसका एक शॉर्टकट भी आज सीख के जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक शॉर्टकट यहाँ भी बताने वाला हूँ, एक सायलोगिज्म में भी आज शॉर्टकट बताने वाला हूँ, ताकि देखते ही क्वेश्चन हिट हो जाए कि कौन सा सही कौन सा गलत होना है। ठीक है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स से था, फिगर काउंटिंग लिख लो, फिगर काउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस थे एटलीस्ट दो। ठीक है, दो क्वेश्चन थे जिसमें से एक डायग्राम ये था। आप सभी लोगों से भी मैं पूछता हूँ कि क्या होगा, उसका शॉर्टकट भी एक थोड़ा सा देखेंगे। एंड कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, एक कोडिंग डिकोडिंग भी लिख लीजिए, टॉपिक लिख लो, फिर इसके बाद बात करते हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग अपने पास अपने कॉपी जरूर बनाए रखें, उस कॉपी में देख लें कि किस शिफ्ट में कौन सा पेपर का कौन सा क्वेश्चन है। पेज वाइज पेज लिखे रहोगे तो आपको फिल्टर करने में आसानी रहेगी कि ये क्वेश्चन पूछे जा चुके, ये अपने को याद रहेगा, जैसे जीएस का आप बनाए होंगे एटलीस्ट। अगर नहीं बनाए हो अभी भी चेक कर लो, आगे बना लीजिए उसको कि किस दिन में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। अगर 45 क्वेश्चन भी डिस्कस की जाती है, 30 क्वेश्चन भी, 25 क्वेश्चन भी, वो क्वेश्चन आपके पास तैयार हो गए। एज अ अगर इतने शिफ्ट के 25 क्वेश्चन में से अगर 10 अलग अलग भी है ना, तो बहुत सारा क्वेश्चन आपके पास कलेक्ट हो जाता है फर्दर आगे पढ़ाई के लिए। ठीक है, आगे बस ध्यान रखिए, अभी मैं आपका कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ, थोड़ी देर कमेंट रुक जाएंगे, अभी मैं देख लूंगा कि क्या क्या आपके कमेंट है, क्वेश्चंस वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग के बाद हमारे पास था वेन डायग्राम, वेन डायग्राम के क्वेश्चन हमारे पास कंफर्म किए गए हैं। नेक्स्ट की बात कर ले, वेन डायग्राम इन द सेंस बोला जाता है, कुछ वर्ड दे दिए जाते हैं, इनके आपस में रिलेशन पूछा जाता है। ठीक है, वेन डायग्राम के बाद एनालॉगी, एनालॉगी मिक्सअप था, लेटर एंड नंबर का मिक्सअप था, यानी कि वर्ड्स दिए हुए थे इन कोडिंग डिकोडिंग के प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, नेक्स्ट मुद्दे पे आ जाते हैं, दैट इज हमारे पास क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन हमारे पास थे, ऑड वन आउट करना था। एंड नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये कंफर्म किया है हमारे पास बच्चों ने जो कि हमारे पास क्वेश्चन दिए थे। वन बाय वन एक एक डिस्कस कर लेते हैं, एक एक सेक्शन के बारे में। सबसे पहले छोटे छोटे टॉपिक निकाल देते हैं, जैसे फिगर काउंटिंग में सब सारे लोग मिल के बताएं मुझे इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, ट्रायंगल काउंटिंग पूछा गया था। ठीक है, एक बच्चे ने उसको फोटो खींच के भेजा था, नॉट क्लियर इमेज नहीं था, बट उसको देख के लगा कि यही वाला क्वेश्चन पूछा हुआ। जल्दी से मुझे बता दें कि मिरर इमेज इस सॉरी नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें कितने हैं, जल्दी, मैं कमेंट देख रहा हूं अभी आपका। ओके पल्लव जी, आप इन्होंने बताया वर्ड रेड का मिरर इमेज पूछा था, मैंने बोला ना एक वर्ड से रिलेटेड है और एक क्लॉक से रिलेटेड, तो एक वर्ड वाला पल्लव जी यहां क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी से संजय यादव जी, अभी फिलहाल पीछे वाला नहीं देख पा रहा हूँ, 16 अक्टूबर का आपका एग्जाम है, वेरी गुड। हेलो सचिन जी, गुड मॉर्निंग, हेलो हाय नमस्कार, लेकिन इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करिए, आप सभी लोगों ने देखा हुआ है, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी जल्दी। एक बच्चा 11 बता रहा है, 11 बता रहे हैं, 11 ज़्यादातर लोग बता रहे हैं, क्या 11 सही है गलत अभी देखेंगे। सो दिस इज़ वेरी नाइस, यस यह है एक अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो 15, 17, 14, 11, 17, 18, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही अच्छा खासा हम सभी लोगों ने आंसर दे रहे हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन क्वेश्चन बताइए, हाँ सर बता रहा हूँ, स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चन भी हम लोग बात करेंगे, अगर वो क्वेश्चन दिखा होगा तो। ठीक है, जल्दी जल्दी देख लो, ठीक है 13-15 अलग अलग बता रहे हैं, चलो आ जाओ फटाफट, इसका पहले देख लेते हैं बेसिक तरीके से, उसके बाद शॉर्टकट से। मैं पहले भी अगर मैंने शायद नहीं लिया हुआ लेक्चर, लेकिन बता दे रहा हूँ किस तरीके से होता है, हमेशा छोटे से बड़े काउंट किया करें, छोटे छोटे ट्रायंगल काउंट कर लिया करो। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 हमारे पास सिंगल वाले ट्रायंगल है, सिंगल वाले ट्रायंगल इन द सेंस छोटे छोटे, ये छोटे छोटे जहाँ एक ही ट्रायंगल है सिंगल सा। उसके बाद डबल डबल अटैच किया करें, यानी दो ट्रायंगल को अटैच करके क्या ट्रायंगल बन रहे हैं, अगर हाँ तो कितने, जैसे ये देखो ऊपर, ध्यान से आप देख लो, सीख लो अगर सिखा रहा हूँ तो, ये देखो ऊपर एक एक साथ में नीचे बना है, दो ट्रायंगल को मिला के आसान रहता है ऐसे काउंट करने में। ठीक है, और एक हो गया ये नीचे वाला, तीन हो गया, एक देखो ये वर्टिकल, चार, एक इधर से, पांच, तो डबल वाले कितने हैं, पांच। अब ट्रिपल ट्रिपल वाले क्या तीन तीन ट्रायंगल मिलके ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, वो देख लें,
तीन तीन ट्रायंगल, तो देखो ध्यान से, हाँ इस लाइन के अकॉर्डिंग बात करें तो एक इधर बन रहा है, एक एक इधर बन रहा है, दो, ठीक है। और इस लाइन के अकॉर्डिंग बात करो तो एक इधर बन रहा है, एक इधर, कितना, चार। टोटल कितने हो गए, 8 × 5 = 13, 4 कितना हो गया, 17। 17 इज एग्जैक्ट करेक्ट आंसर, 17 आंसर आना चाहिए। अब मुद्दा ये आता है कि ठीक है, आई हैव ए ट्रिक फॉर ट्रायंगल। सर उज्जवल जी अभी एक बार ट्रिक तो देखिए, अभी तो ट्रिक ही नहीं दिया। अब देखिए ट्रिक, ट्रिक की बात कर ले, ट्रिक क्या है, भूल जाओ ऊपर। जब भी हमारे पास कोई ऐसा बॉक्स होता है जिसमें ऐसे लाइनें खींची होती है, इसका फार्मूला होता है 2n, यानी डबल होता है, छोटे ट्रेंगल का डबल कर दीजिए उतने नंबर ऑफ ट्रेंगल होते हैं इसमें। तो यहाँ अगर ऊपर छोड़ देते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें कुल 6 है, तो 6 का डबल कितना का होगा, 12, ठीक, ये भूल जाइए। अब ऊपर ट्रेंगल की बात करें, जब भी ऐसा कोई ट्रेंगल होता है जिसमें लाइनें खींची होती है, इसका फार्मूला कुछ नहीं होता, इसमें सीधा सीधा क्या करना होता है, इन सभी नंबर्स को जोड़ लेना होता है। ऐसे ही हमने यहाँ जोड़ा 1 और 2, तो 1, 2 कितने हो गए, 3, कितना हो गया, 15, 15 हो गया ट्रेंगल। ये तब जब दोनों अलग अलग होते हैं, अब दोनों चिपके हुए हैं तो जाहिर से बात है कुछ नए ट्रेंगल परफॉर्म कर रहे हैं, इन दोनों के अटैचमेंट की वजह से कितने ट्रेंगल बन रहे हैं वही आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये अटैचमेंट की वजह से एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, दोनों अटैचमेंट की वजह से ये दो ट्रेंगल और बन रहे हैं, तो दो और जोड़ लिया, हमारे पास कितने आगे, 17, 17 इज करेक्ट आंसर। ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट्स वगैरह होते हैं, जैसे क्वेश्चन आता रहता है क्वेश्चन में भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अगला, क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट अलग अलग जगह से आए थे और जो व्हाट्सअप नंबर हम लोग यहाँ रिफ्लेक्ट करते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों को जो जो याद आता है वो भेज देता है, लिख के फोटो खींच के, बहुत आपको आइडिया भी नहीं, वर्डिंग भी अजीबोगरीब होती है और हमारे पास पहुंच जाता है, जैसा कि सर लोगों ने बात किया होगा। नेक्स्ट मुद्दे पे आ जाते हैं, दूसरा हम लोग पास, जैसा सर ने बताया कि इमेजेस में वर्ड से रिलेटेड था, दैट इज रैट, रैट का मिरर इमेज पूछा है। तो अगर हमारे पास रैट वर्ड दिया हुआ है और उसका मिरर इमेज पूछ रहा है, तो एक जुगाड़ याद रखिए हमेशा, जब भी मिरर जहां बना हो, ध्यान से सुनिएगा जो मैं एक्चुअल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जहां भी मिरर बना है उससे नजदीक की चीज नजदीक होती है और दूर की चीज दूर होती है। यानी ये अगर मिरर है, इसके ये बना दे रहा हूं बड़ा, रैट का ये रहा मिरर, ठीक है। अब मिरर के नजदीक सबसे पहले कौन है, टी है, तो सबसे पहले टी का मिरर इमेज बनेगा और उसके बाद ए का बनेगा, उसके बाद आर का। अब ये कर्व मिरर की तरफ है, तो ये कर्व मिरर की तरफ रखिए, कभी गलत नहीं होगा, ये आसान बन जाता है क्वेश्चन। बस कॉन्सेप्ट दिमाग में अगर एक रहे कि नजदीक की चीज नजदीक, दूर का दूर, चाहे मिरर हो चाहे वाटर हो, कभी गड़बड़ नहीं होगा। एक क्लॉक से रिलेटेड था इमेज, वाटर इमेज पूछा होगा या मिरर इमेज पूछा होगा, तो क्लॉक के लिए एक बात बता दे रहा हूं, क्लॉक के लिए जब भी हमारे पास मिरर इमेज के बारे में बात करें, क्लॉक में जब भी मिरर इमेज के बारे में बात करें, तो टाइम चाहे कुछ भी हो, सपोज करो 2:30 बजा, ठीक है, 2:30 बजे का वो मिरर इमेज पूछता है, तो आप 2:30 ऐसे सोचते हो कि छोटी वाली सुई यहां होगी और बड़ी सुई एग्जैक्ट 6 पे होगी, ठीक है, थोड़ा सा घड़ी अगर गड़बड़ बना होगा तो देख लीजिएगा, छोटी सुई 2 और 3 के बीच में है। तो जब भी मिरर इमेज अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, ये रहा हमारे पास, ये बीचों बीच लाइन खींचा करिए, बीचों बीच एकदम लाइन खींचिए, डॉट डॉट डॉट, वो घड़ी बनी होगी कहीं ना कहीं, तो उस पर दिमाग लगा करो यहाँ है। अब इसका मिरर इमेज ऐसे हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसका मिरर इमेज 9:30 हो जाएगा, और ये बदलने की जरूरत नहीं क्योंकि लाइन पे है, ठीक है। तो ये एक जुगाड़ होता है जिसे अपने दिमाग में रखिए ताकि कॉन्सेप्ट गड़बड़ ना हो, ठीक है। अगले मुद्दे पे आ जाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर ले, कोडिंग डिकोडिंग की बात कर लिया हमने, फिगर काउंटिंग की बात कर लिया, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जैसे कि एकदम इजी थे, +1 - 1 करके दिया हुआ था क्वेश्चन सिंपली, ठीक है। संजय जी कह रहे हैं इंडिया में अलग अलग पेपर हर जगह, हाँ एग्जैक्टली, जितने जोन है जोन में अलग अलग है और अलग अलग जगह पे भी अलग अलग टाइप के पेपर भी हैं, ताकि नकल कम हो ना हो पाए। नेक्स्ट मुद्दे पे बात कर ले, कोडिंग डिकोडिंग के बाद, कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन जो था वो सिंपल था, जो बच्चों से बात हुई वह कि जस्ट +1 किया हुआ है या -1 किया हुआ है, सिंपली अगर सपोज करो कि क्वेश्चन ऐसे प्लेटफॉर्म करें हम लोग, जैसे रैट को ही ले ले, रैट का जो कोड दिया हुआ वो दिया हुआ SBU, ये दिया हुआ +1 कर दिया हुआ है, आगे कुछ भी पूछ ले, बैट का क्वेश्चन पूछ ले, तो हमारे पास ये हो जाएगा BU और ये हो जाएगा CBU, आंसर आ जाएगा, यानी प्लस करके ही सीरीज दिया हुआ था, सिंपल सा एज यूजुअल, ठीक है। एनालिसिस में हम आपको बता देना एक्चुअल में जो होता है, ठीक है। वाटर इमेज, राजू जी पूछ रहे हैं कि वाटर इमेज हो सकता है क्या, आगे रजत जी भी पूछ रहे हैं वाटर इमेज, यस एग्जैक्टली, वाटर इमेज अगर पूछता ना तो आप यहाँ पे वाटर समझते हैं, ठीक है, वाटर यहाँ बीच में कर लेते तो उसके हिसाब से टाइमिंग अलग दी जाती है, वाटर इमेज का अगर टाइमिंग होता तो उसके हिसाब से टाइमिंग अलग दी जाती है ताकि वो बन सके, सच एज ये 2:45 बोल सकता था, एन ऑल एन ऑल एन ऑल, ठीक है। जल्दी जल्दी आगे बढ़ लेते हैं हम लोग अगले वाले की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट 3:30 का मिरर इमेज आया था, ओके इन्होंने बता दिया 3:30 का मिरर इमेज आया था, तो 3:30 का तो और आसान हो जाएगा ना भाई, 3:30 का हो गया तो इसका क्या हो जाएगा, 8:30,
सिंपल रूल याद रखिए, रूल याद रखिएगा, सब सही बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाला नेक्स्ट मुद्दा। याद रखिए अगर सेशन पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें भाई, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बहुत सारे जगहों से अलग अलग कैंडिडेट तक ये बात पहुंचाने में। ठीक है, अलग अलग पहुंचाने के लिए आप शेयर कर दो बस, ठीक है, दूसरा कुछ नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक और पॉइंट, एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दैट इज वेन डायग्राम से रिलेटेड अगर कोई बात करे तो वेन डायग्राम में सिंपल से एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे पास नॉर्मली पूछा था जिसका आपस में कोई रिलेशन नहीं बना था। सच है, वो क्वेश्चन मेरे पास जो बच्चे ने भेजा वो बोला सर गेम तीन खेल का नाम दे दिया हुआ था और पूछा था रिलेशन क्या बना था, वर्डिंग बच्चे की ये थी। तो मैं उसका अगर उस क्वेश्चन प्लेटफॉर्म करूँ उसको तो कुछ यूं, अगर हम तीन खेल की बात करें, ध्यान से समझना जो समझाना चाह रहा हूँ, एक मिनट के लिए कमेंट रोक देंगे। तीन खेल अगर सपोज करो, मैंने फुटबॉल बात करी, हमने क्रिकेट बात करी, हमने हॉकी बात करी, इन तीनों में आपस में कोई रिलेशन, याद रखिए किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करी जाए, किसी पर्टिकुलर खेल की बात करी जाए तो आपस में कोई रिलेशन नहीं बनता। लेकिन यहीं पे उसके प्रोफेशन में डाल दिया जाए, यानी हॉकी प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर एंड क्रिकेट प्लेयर के बारे में बात बोल दे तो तीनों आपस में क्या कर जाएंगे, इंटरसेक्ट। एक और जुगाड़ अपने दिमाग में बैठा लीजिए सभी लोग अभी तुरंत, कि जब भी हमारे पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो आपस में सिर्फ अलग अलग सेक्शन के बारे में बात कर, चाहे ये बोल देता ना फुटबॉल क्रिकेट हॉकी की जगह ये बोल देता हिंदी इंग्लिश उर्दू, तो भी ये अलग अलग बनते। लेकिन जैसे ये बोल देता इसे प्रोफेशन में ले आओ, हिंदी टीचर, इंग्लिश टीचर, उर्दू टीचर, तो ये प्रोफेशन में आ गया। जैसे वो प्रोफेशन में आएगा तो इस तरीके से बनेगा, क्योंकि कुछ हिंदी टीचर इंग्लिश टीचर भी हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो ये चीज़ें भी अपने दिमाग बैठाए रखिएगा, जब वो प्रोफेशन में होगा तो तीनों इंटरसेक्ट करेंगे, अगर प्रोफेशन में नहीं है पर्टिकुलर फील्ड है तो तीनों अलग अलग रखेंगे, ध्यान रखना बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, सुपर है, अगर ये सुपर है तो लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। लाइक की संख्या 500 भी पार तो हो गई है, लेकिन आगे भी बढ़ाना जरूरी है क्योंकि आप सभी लोग ज्यादा हैं, मोटिवेट करते हैं हमें। ठीक है, नेक्स्ट मुद्दे पे आ जाते हैं, ये छोटा सा जुगाड़ था। एनालॉगी की बात करें, एनालॉगी में शायद वर्ड से रिलेटेड कोई एनालॉगी क्वेश्चन उसने बताया कि सर नंबर भी थे लेटर भी, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया नंबर लेटर से रिलेटेड एनालॉगी क्वेश्चन थे कि उन दोनों की जस्ट लाइक कोडिंग जैसे होती है, जैसे दिया हुआ ये ऐसा क्वेश्चन देख लो, प्लेटफॉर्म बता दे रहा हूँ, दे दिया ए बी का रिलेशन दे दिया हुआ है 6 और आपसे पूछ लिया गया कि एस टी का सच दैट के मतलब एस टी इस टू कितना, फिर ऑप्शन दे दिया 3-4। ठीक है, तो क्या होगा, तो सिंपली ये दिख रहा है ए का 1 होता है, बी का होता है 2, दोनों को ऐड करेंगे 3, 3 का रिलेशन 6 के साथ जस्ट डबल है। ऐसे एस का होता है 19, टी का होता है 20, दोनों को ऐड करेंगे आएगा दैट इज 39 और 39 को अगर डबल करेंगे तो आएगा कितना 78, तो यहाँ पे कितना आ जाना चाहिए 78। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास थे एनालॉगी टॉपिक में। क्लासिफिकेशन में अगेन वंस अगेन हमारे पास क्लासिफिकेशन आउट वन आउट करना होता है जो कि इजीली आप सभी लोग जानते हैं, और साथ ही साथ लास्ट की बात कर ले जो हमारे पास कन्फर्म था स्टेटमेंट कंक्लूजन। स्टेटमेंट कंक्लूजन में सिर्फ एक बात का ध्यान रखें, बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि स्टेटमेंट कंक्लूजन किस तरीके का रहता है। ठीक है, जुगाड़ ला रहे हो सर, यस सर, सारे जुगाड़ सुपर्ब, लगभग सभी लोगों ने सुपर्ब लिखा हुआ और लाइक की संख्या अचानक से बढ़ी है और यह क्रॉस कर जानी चाहिए, सारे लिमिट टूट जानी चाहिए अगर यह सेशन आपको पसंद आ रहा है और ये सारी ट्रिक आपको समझ में आ रही है। ट्रिक का ही खेल है भाई, ट्रिक का मतलब ये होता है क्वेश्चन को शॉर्ट टर्म में कंप्लीट कर लिया जाए और उस पर कॉन्फिडेंट इतना हो कि क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि एक बार भी दिमाग में डाउट हो गया ना कि दो क्वेश्चन मुझे पीछे गलत कर चुका हूं तो आगे 4 क्वेश्चन और सही करने का लोड आ जाता अपने दिमाग में, यह चीज बचाना अपने को। तो इसीलिए ये ट्रिक्स लाए जाते हैं ताकि कॉन्फिडेंट बिल्ड होता चला जाए हर एक क्वेश्चन से। ठीक है, डाउट ना रहे कि हाँ इतना कर लिया लेकिन इतना ही सही हो सकता है, इतना कर लिया तो इतना सारे सही है, कम टाइम में कर लिया अभी बहुत टाइम में कर लेंगे सारे, ये कॉन्फिडेंस लाता है ट्रिक। ठीक है, तो ये सारी चीजें जुगाड़ सिखा रहा हूं। ठीक है, आगे 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 नेक्स्ट, मैं बात कर रहा था स्टेटमेंट कंक्लूजन का लास्ट में। स्टेटमेंट कंक्लूजन में हर एक क्वेश्चन इतना इजी दिया हुआ है अभी तक के सारे शिफ्ट में, अभी वाले शिफ्ट का क्वेश्चन नहीं मिला हुआ तो मैं नहीं बता सकता। ठीक है, क्योंकि अभी तक कंफर्मेशन मिल गया कि इसका क्वेश्चन नहीं, लेकिन यह तय था कि यह क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाने वाला था। सॉल्व कैसे हो रहा था, स्टेटमेंट पे क्या ट्रिक दिमाग लगानी है वो देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट, जो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन नाम देने का सीधा मतलब हो गया कि जो स्टेटमेंट दिया है उसी के बिहाव पे हम निष्कर्ष निकालेंगे। तो जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसे पढ़ लो, पढ़ने के बाद नीचे जो कंक्लूजन दिया हुआ है उसके बारे में सोचो। सच है, स्टेटमेंट दे दिया गया है कि आज बैंक में भीड़ ज्यादा रहेगी, तो हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं, मतलब रहेगी ये फ्यूचर टाइप के हो गए तो यहाँ एजम्पशन निकालते हैं, तो कोई ना कोई आज 3 दिन बाद बैंक खुला होगा या हो सकता है प्रीवियस डे में बैंक बंद रहा होगा, ये सारी चीजें दिमाग में जो बनती है वो एजम्पशन होता है। कंक्लूजन जो रिजल्ट होगा, बैंक में भीड़ ज्यादा होगी ये बात बोल दिया गया तो जाहिर से बात है हमारे सारे के सारे इंप्लॉयज क्या होंगे, बिजी रहने वाले, तो ये कंक्लूजन होगा ना। कंक्लूजन रिजल्ट बताता है एक तरीके का जो कि हुआ नहीं है लेकिन हम सोचते हैं कि यही है कंक्लूजन, मतलब यही रिजल्ट होगा। जैसे 5+5 बराबर तय है वो भले ना लिखा हो लेकिन कंक्लूजन क्या है इसका 10 होगा, तो ये कंक्लूजन मतलब रिजल्ट टाइप का होता है। और एजम्पशन जो होता है वह उसकी सोच हो सकती है कि किस सोच से
उसने यह बात बोली है, बस इतना डिफरेंस होता है कंक्लूजन और एजम्पशन पे। वीडियोस पड़े हुए हैं, आप सेपरेटली जाके उसे देख लीजिएगा, स्टेटमेंट कंक्लूजन और एजम्पशन से रिलेटेड उसे देख लीजिएगा, और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक तो बात हो गई। एंड अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट बात, दो तीन चीज़ें हमें बहुत मोटिवेट करती है, दैट इज़ आपका शेयरिंग और आपका लाइक। ठीक है, लाइक जरूर हिट कर दीजिए, और जिससे हमें मोटिवेशन मिल जाएगा और हम आगे फर्दर ये भी लेते आएंगे। और जिनका एग्जामिनेशन नियर फ्यूचर में है वो अपना डिटेल यहाँ इस पर व्हाट्सअप कर दें, और साथ ही साथ जिनका एग्जाम हो चुका है वो इस पर क्वेश्चन भेज दिया करें तुरंत, ताकि हम बच्चों तक जल्दी से जल्दी डाटा भेज सकें। मुझे यानी श्याम सारे सर को एक वर्ड दिया हुआ, कैलेंडर का रिपीटेशन का ट्रिक, लास्ट वीडियो में मैंने एक बार ट्रिक बताई थी, आज भी बता दे रहा हूँ। प्लस 6 करना है, प्लस 11 करना है, प्लस 28। प्लस 6 तब करना रिपीटेशन में जब हमारे पास जो ईयर दिया हुआ है उसमें 6 जोड़ने के बाद एक ही लीप ईयर आ रहा है, जैसे 2001 में अगर 6 जोड़ते हैं तो 2000 कितना आएगा, 7 आएगा, तो 2001 और 7 के बीच में एक ही लीप ईयर आता है, वह है 2004, तो आपका आंसर सही है। लेकिन अगर 6 जोड़ने पे 2 लीप ईयर आ जाएंगे तो वो सही नहीं है, उसे 11 जोड़ के सही देना पड़ेगा। यानी 2007 का जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, 2007 में 6 जोड़ा, 2013 आ गया। ठीक है, तो 2007 और 2013 के बीच में 2008 और 2012 दो लीप ईयर आएंगे, तो ये गलत आंसर आएगा। तो 2007 में कितना जोड़ना होगा, 11 जोड़ना होगा। ये दो तरीके, प्लस 28 कब करना है, जब दिया गया वर्ष ही लीप वर्ष हो, यानी 2020 की बात कर ले तो 28 जोड़ना पड़ेगा, 2048 में ये रिपीट होएगा, 2048 फिर से 28 जोड़ने के बाद आएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, 28 कब ऐड करते, जब जो वर्ष पूछा गया वो लीप ईयर हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यानी मैं हमारे पास बहुत सारे लोगों ने अच्छा खासा दे दिया, जिनका जिनका जब जब एग्जाम है इस पर डिटेल भेज दीजिए, और साथ ही साथ मेरे मेल आईडी पे जो कि है sam.asare@testbook.com। testbook.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से मैं अभी फिलहाल विदा लेता हूँ। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप सभी लोग को बताना है, वो ये रहा, जैसे कि हमारे पास 5 लाख सब्सक्राइबर्स की हमारी जंग चल रही थी जो कि हम अचीव कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपको ईयरली पास जो कि 50% फ्लैट डिस्काउंट पे दे रहे हैं, यानी कि जो 2000 से भी ज़्यादा स्पीड टेस्ट एंड 50+ एग्जामिनेशन के लिए होंगे, और एक ही पास में जो कि 300 में मिल रहा है फिलहाल, स्टार्टिंग के 10,000 कैंडिडेट को ही दिया जाएगा, उसके बाद ये रॉक कर दिया जाएगा। ये हमें मिलेंगे www.testbook.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, और मुझे यानी श्याम सारे की इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक आप सभी लोग जम के पढ़ाई करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।